तो गाइस, अब मैं एक लंबे समय के बाद वापस आ चुका हूँ। अब तक वीडियोस क्यों नहीं आई, वो एक लंबी कहानी है जिसे कोई भी सुनना नहीं चाहेगा, पर मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसे आप सब सुनना चाहेंगे। इस कहानी में हमें मार्वल के बहुत सारे सीक्रेट्स जानने को मिलेंगे। आप थैनोस की फैमिली हिस्ट्री को भी जानेंगे कि उसका ग्रैंडफादर यूरेनोस अभी भी जिंदा है, जो कि थैनोस से भी बड़ा वाला हरामी है, और जिन्होंने भी थॉर की स्टोरीज देखी हैं जिसमें उसने विजन देखा था कि थैनोस उसे आकर मार देगा, तो इस कहानी का उस स्टोरी से भी लिंक मिलेगा जिसे आप मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहोगे। बस मुझे सपोर्ट करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो अब कहानी शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है अर्थ से। इटर्नल इसे मशीन कहकर बुलाते हैं और ये कहानी हमें मशीन ही सुना रही है। वो कह रही है कि आज अर्थ पर काफी सुहाना दिन है। यहाँ के लोग रोज की तरह अपने काम पर जा रहे हैं, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। आज स्पेस से ना तो कोई एलियन हमला होने वाला है, ना ही कोई मुसीबत आने वाली है, इसलिए तो अवेंजर्स भी अपने काम से ब्रेक लेकर पार्टी इंजॉय कर रहे हैं, वरना इन्हें तो फुर्सत ही नहीं मिलती है। हालांकि कुछ अवेंजर्स को टोनी के हाथ का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, पर फिर भी वो उसे एंजॉय कर रहे हैं। म्यूटेंट्स भी क्राकोवा आइलैंड पर सुहाने दिन के मजे ले रहे हैं। उनको भी एक लंबे समय के बाद अर्थ पर सुकून से रहने के लिए ठिकाना मिल चुका है। पर इन सब जगह से दूर ओलंपिया पर, जो कि इटर्नल्स के कैपिटल है, वहां पर ड्रेक का दिन भी काफी सुहाना जा रहा है। हालांकि उसे ये सब पाने में काफी मेहनत करनी पड़ी थी, पर उसकी मेहनत रंग लाई और वो इटर्नल प्राइम बन चुका है। उसके मन में थोड़ी अशांति तो है, क्योंकि अब वो इटर्नल प्राइम जो है, और एक प्राइम के ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कुछ इनसिक्योरिटी भी जरूर होती है। उसे हमेशा खतरा बना रहता है अपनी किंगशिप जाने का। ड्रिग अपने फ्रेंड डोमो के पास आते ही कहता है, ओ मेरे पुराने दोस्त, कैसे हो? ये बताओ, अगर मैं तुमसे कहूँ कि म्यूटर्स को कैसे मारा जा सकता है, वो भी एक दिन में, तो तुम उस पर क्या कहोगे? डोमो ड्रिग का काफी पुराना दोस्त है, तो वो ड्रिग की इनसिक्योरिटी को समझता है। डोमो कहता है, हाँ मेरे मालिक, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। मेरे पास की ये चीज आपके बहुत काम आएगी। ये एक एंटी मैटर बॉम्ब है जिसे चुपके से उन म्यूटेंट्स के आइलैंड पर डिप्लॉय किया जा सकता है, और कहीं से भी इसे डिटोनेट करके म्यूटेंट्स का नाम और निशान मिटाया जा सकता है। और तो और, इससे वो म्यूटेंट जल्दी ट्रेस भी नहीं कर पाएंगे, और जब तक वो करेंगे तब तक वो राख बन चुके होंगे। जिस पर ड्रिक खुश होकर कहता है, मुझे इसी की उम्मीद थी तुमसे। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे जल्दी कंप्लीट करो, ताकि आज की इवनिंग ड्रिंक मैं म्यूटेंट्स की मौत की खबरों के साथ लूं। इधर लेमोरिया में एकारेस और सर से कुछ डेवियंट्स की हेल्प कर रहे होते हैं। हर एक इटर्नल की लाइफ में तीन प्रिंसिपल होते हैं, पहला प्रोटेक्ट द सेलेस्टियल, दूसरा प्रोटेक्ट द मशीन, और तीसरा करेक्ट द एक्सेस डिविएशन। ये वो तीन प्रिंसिपल हैं जिन्हें एक इटर्नल कितना भी चाहे वो उसे नहीं तोड़ सकता। कई बार इकारिस तो इंडिविजुअल्स को मारना भी नहीं चाहता है, लेकिन उसे ऐसा करना पड़ता है क्योंकि वो अपने तीसरे प्रिंसिपल से मुंह नहीं फेर सकता। जब इकारिस उन डिविएंट्स को रेस्क्यू कर रहा होता है, तभी एक डिविएंट आ जाता है और कहता है, बस बहुत हुआ तुम इटर्नल्स का, तुम दिखाते तो ऐसा हो जैसे कि तुम्हें हमारी मदद कर रहे हो, पर वक्त आने पर तुम हमें चींटी की तरह मसल देते हो, आज तुम नहीं बचोगे। और इतना कहते ही वो डिविएंट इकारिस पर हमला कर देता है, जिससे बचते हुए इकारिस उस डिविएंट को उड़ाकर ऊपर ले जाता है और नीचे फेंक देता है, और कहता है, अभी अभी तुमने कहा कि चींटी की तरह मसल देते हो, तो ये बात तुम्हें याद रखनी चाहिए थी। सरसी, इसे जल्दी से ट्रैप करो। और इतना कहकर इकारिस वहां से चला जाता है। वैसे इटर्नल्स को हर वक्त ही डिविएंट्स को मारने की इजाजत नहीं है, वो सिर्फ तभी किसी डिविएंट को मारते हैं जब उनके अंदर डिविएंट जीन उन पे हावी हो जाता है। इकारिस इसे ना चाह के भी करता है, लेकिन सरसी कुछ इकारिस से छुपा रही है। उसका ऐसा मकसद जो लोगों के सामने आ गया तो हर कोई उससे नफरत करने लगेगा, पर उसे अपना मकसद पूरा करना ही है। इसके लिए उसे फेस्टोस की मदद लेनी होगी, जो कि अभी ड्रिक के कैद में है। तो गाइस, कुछ तो है जो कि इटर्नल्स के बीच बहुत बड़ा चल रहा है। यहाँ लालच कोई सिंहासन पाने के लिए नहीं है, बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक्सक्लूजन को देखते हैं, जो कि इटर्नल्स का हेल है। यहीं पर ड्रिक फेस्टोस के पास आकर कहता है, तो अब तुम जग गए, ये बताओ कि तुम्हें अब कैसा लग रहा है? फेस्टोस, तुम इटर्नल के नाम पर एक कलंक हो। जिसपे फेस्टोस कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि हम इटर्नल्स जो कभी भी नहीं मर सकते हैं, और मरते भी हैं तो वापस से जिंदा हो जाते हैं, वो भी एक इंसान के लाइफ को छीन कर? ये बात तुम सह सकते होगे, पर मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता है। तो ड्रिक कहता है,
इसका मतलब तुम्हें अपनी पिछली लाइफ का सब कुछ याद है। कहो तो मैं उसे इरेज करके तुम्हें अभी अभी अपने काम पर लगा दूं, पर फेस्टॉस मैं ऐसा नहीं करने वाला, क्योंकि आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत लकी है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक रिक्वेस्ट आई है जो कि एज़ाक और मकारी की तरफ से है। वो तुम्हें पुरानी मेमोरी के साथ ही वापस चाहते हैं। मुझे पता है तुम और तुम्हारे दोस्त लेमोरिया में छुपके से रह रहे हो, और ये जानते हुए भी मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूँ। एज़ाक कहती है, मैं जानती हूँ ड्रिग, इसके पीछे भी तुम्हारी कोई घिनौनी चाल होगी। तुम बस एक आस्तीन के सांप हो जिसपे कभी भी कोई भी भरोसा नहीं कर सकता। और इतना कहकर एज़ाक और मकारी फेस्टोस को लेकर वहां से चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सेलेस्टिया सिटी, जहां पर एज़ाक और मकारी फेस्टोस को लेकर आए हैं। पर फेस्टोस कुछ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है, तुम लोग ये कैसे कर सकते हो? तुम लोग एक गॉड को कैसे क्रिएट कर सकते हो? ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं जानता हूँ तुम लोग का एक बहुत बड़ा मकसद है, पर ये गलत है। हम जब भी मर के वापस जिंदा होते हैं, एक इंसान की जान चली जाती है। इसे मैंने बहुत सुधारने की कोशिश की, पर मैं इसमें नाकामयाब ही रहा। हालांकि जो तुम करना चाह रहे हो इससे काम हो सकता है, पर इसके चांसेस ना के बराबर हैं। और तो और, तुमने इसे बनाने के लिए एक म्यूटेंट को कैद कर रखा है। इसका मतलब तुम जानती भी हो, ये एक जंग को न्योता देने जैसा है। जब उन क्रैकवांस को इसके बारे में पता चलेगा तो तुम नहीं जानती कि कितनी बड़ी तबाही मचेगी। तो एज़ाक कहती है, फेस्टोस, हाँ मैं जानती हूँ कि ये रिस्की है, पर हमें इस काम में तुम्हारे जैसे एक्सपर्ट की जरूरत है। और अभी अभी तो तुमने कहा कि इसके चांसेस बहुत कम है, पर इसे अगर ऐसे देखो कि इसके होने के चांसेस तो हैं, तो ये कितना सही रहेगा। तब फेस्टोस कहता है, तुम सब अपने मकसद में इतने अंधे हो गए हो कि तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, पर इतना जान लो, मैं इस काम में तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। और इतना कहकर फेस्टोस वहां से चला जाता है। फेस्टोस के जाने पर मकारी कहती है, एज़ाक, अब आगे हमारा प्लान का क्या होगा? ये तो चला गया। जिसपे एज़ाक कहती है, मैं जानती हूँ कि आसानी से नहीं होने वाला, और ये अच्छा ही है कि इसे अब तक हमने ये नहीं बताया कि कौन सा म्यूटेंट हमने पकड़ रखा है। और तब हम देखते हैं सिनिस्टर को, जिसे एज़ाक और मकारी पकड़कर यहाँ पर कैद करे हुए हैं, और ये लोग इसी की मदद से किसी गॉड को क्रिएट करना चाहते हैं। पर गाइस, ये लोग बहुत बड़ा कुछ गेम खेल रहे हैं। क्या इससे म्यूटेंट्स वर्सेस इटर्नल स्टार्ट हो जाएगी? कोई कुछ भी नहीं जानता। इधर ड्रिग अपने चैम्बर में बैठकर म्यूटेंट्स पर नजर रखे है। वो कहता है, ये म्यूटेंट्स नहीं जानते कि इनके साथ क्या होने वाला है। ये सब एक तरह के डिवियंट ही हैं, जो कि इवॉल्व होकर म्यूटेंट बन गए हैं, और हम इन्हें मारकर अपना तीसरा प्रिंसिपल जरूर पूरा करेंगे, जो कि है करेक्ट द एक्सेस डेविएशन। ये सब इतने खुशी से रह भी कह सकते हैं। ओ डोमो, तुम्हें अभी भी कितना टाइम क्यों लग रहा है? इस पर डोमो कहता है, मालिक, बॉम्ब रेडी हो चुका है, बस आपके आदेश पर हम इसे डिप्लॉय कर देंगे, जिसके बाद म्यूटेंट्स की खैर नहीं। फिर ड्रिग का इशारा पाते ही डोमोस एंटीमैटर बॉम्ब को म्यूटेंट्स को मारने के लिए क्राकोवा आइलैंड पर छोड़ देता है। पर जैसे ही बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला होता है कि तभी ड्रिग और डोमो की आंख नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है, और एक अलार्म बीप करने लगता है, प्रोटेक्ट द मशीन, प्रोटेक्ट द मशीन। ड्रिग फौरन से बॉम्ब को ब्लास्ट ना करने का ऑर्डर देता है, और उस बॉम्ब को ब्लास्ट होने से रोक दिया जाता है। आज का दिन म्यूटेंट्स के लिए वाकई लकी डे था, वरना आज इस डोमो के बॉम्ब की वजह से सब म्यूटेंट्स मारे जा सकते थे। ड्रिग कहता है, ये क्या हुआ डोमो, मुझे कुछ बताओगे? जिसपे डोमो कहता है, मालिक, हमने ध्यान ही नहीं दिया, वे म्यूटेंट्स जिस आइलैंड पर रहते हैं वो एक सेंटिनल आइलैंड है। अगर हम वहां ब्लास्ट करते तो अर्थ को बहुत बड़ा झटका लग सकता था, जिससे ये खत्म तो नहीं होती लेकिन इसे नुकसान काफी पहुंचता, और ये हमारे सेकंड प्रिंसिपल के खिलाफ है कि हमें मशीन यानी अर्थ की प्रोटेक्शन करनी है। और इस तरह से हम चाह के भी अपने इन तीनों प्रिंसिपल को नहीं तोड़ सकते हैं। पर मेरे मालिक, आप कहें तो मैं इसके लिए दूसरे तरीकों पर भी काम कर सकता हूँ, जिससे म्यूटेंट्स भी मारे जाएं और हमारे तीनों प्रिंसिपल भी ना टूटें। तो ड्रिग वहां से जाते हुए कहता है, नहीं, तुम्हें अब ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। तुमने जो किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, तुमने बहुत जबरदस्त काम किया, पर मैं इसके लिए किसी ऐसे को जानता हूँ जो कि ये काम मुझसे पहले भी करने का सोच चुका है, पर वो किसी वजह से नहीं कर पाया। हम देखते हैं ड्रिग किसी से मिलने जा रहा होता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि यूरेनॉस है, थानोस का ग्रैंडफादर। यूरेनॉस ड्रिग को देखकर बोलता है, ओ मेरे प्यारे ड्रिग,
तुमने इतनी सी बात को मिस कैसे कर दिया? मैं तुमसे काफी निराश हूँ। इस थ्रोन पर बैठे हुए मुझे 1000 से भी ज्यादा साल हो गए हैं, और अब तुम मुझसे क्या कहने आए हो? मुझसे कुछ मांगने आए हो? और यूरेनस की इन्हीं लाइनों के साथ आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। पर ये कहानी आगे चलकर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम थानोस के ग्रैंडफादर यूरेनस की हिस्ट्री को भी जानेंगे। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर किसी वजह से भी नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 1000 लाइक्स का है। अब तक की कहानी में हम देख चुके हैं कि कैसे इटर्नल प्राइम ड्रुइग म्यूटेंट्स के खिलाफ एक षड्यंत्र रच रहे हैं। पर कुछ ऐसे इटर्नल्स भी हैं जो ये सब नहीं करना चाहते हैं। पर उन इटर्नल्स में एक ऐसा इटर्नल भी है जो कि थानोस का ग्रैंडफादर है, और अब ड्रुइग उससे म्यूटेंट्स को मारने के लिए सोच विचार करने गया है। अब आगे क्या होगा ये हमें आगे की स्टोरीज में ही पता चलेगा, पर आज हम जानेंगे कि आखिर ड्रुइग क्यों इन म्यूटेंट्स को मारना चाहता है। अब अगर आप में से कोई ये वीडियो पहली बार देख रहा है तो मैं उसे यही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए वो इसका फर्स्ट एपिसोड देखे। तो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आज दूसरा दिन है और आज का दिन भी काफी सुहाना है। खिली धूप में लोग अपने काम पर व्यस्त हैं। वहीं एक रेस्टोरेंट में टोनी और सरसी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। टोनी कहता है, सरसी अब बातें बहुत घुमा फिरा कर हो चुकी हैं, चलो अब सीधे मुद्दे पर बात करते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक दो दिन में हमारी फाइट होने वाली है? जिस पर सरसी कहती है, ओ टोनी क्या तुम्हें ये ठीक नहीं लगता कि तुम एक हसीन लड़की के साथ बैठ कर ड्रिंक करते हो, उससे लड़ाई झगड़े वाली बात कर रहे हो? ये तुम्हारा स्टाइल तो बिल्कुल नहीं है। जिस पर टोनी जवाब देता है, तो फिर मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ। सरसी ने कहा, तुमसे लड़ने से बेहतर होगा कि मैं म्यूटेंट से लड़ूं। अरे ये क्या! और तभी आसमान से एक रोशनी सरसी को वहां से ऊपर खींच ले जाती है, और ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि फिनिक्स, कैप्टन मार्वल और थॉर थे। कैप्टन ने कहा, टोनी अब वो हमारे कब्जे में है और हम इसे ले जा रहे हैं। वहीं ट्री हाउस जो कि म्यूटेंट्स का एक बेस है, वहां से साइक्लॉप्स ने भी आसमान में फिनिक्स को नोटिस किया। तो साइक्लॉप्स जीन से कहता है, ये भी क्या दिन आ गए हैं। एक वक्त था जब फिनिक्स म्यूटेंट्स का हिस्सा हुआ करती थी, अब देखो ये अवेंजर्स के साथ है। जिसपे जीन कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है, तो साइक्लॉप्स उससे कहता है, जीन क्या तुम मुझे सुन भी रही हो? तो जीन कहती है, सॉरी साइक्लॉप्स, मैंने तुम्हें नहीं सुना, मेरा ध्यान तो कहीं और था। ये इंसान हमें आज भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मैं दुनिया के कुछ हिस्सों में आज भी इनका हम म्यूटेंट्स के प्रति विरोध प्रदर्शन देख सकते हैं। हम चाहे इनके लिए कितना ही क्यों ना कर लें, पर इनकी नफरत हमसे कम नहीं होती। मैं सबके दिमाग में एक साथ तो नहीं झांक सकती, पर इनके दिलों में जो है मैं वो महसूस कर सकती हूँ। ये हमसे नाराज हैं क्योंकि हम जितनी भी बार मरते हैं उतनी बार वापस आ जाते हैं, और इनके लोग जो मारे गए वो आज तक इनके पास वापस लौट कर नहीं आए। इनकी नफरत कुछ इस तरह से हम लोगों के लिए ही बढ़ती जा रही है। जिसपे साइक्लॉप्स कहता है, मैं ये बात समझ सकता हूँ कि आपका कोई अपना जब आपसे बिछड़ जाता है तो कैसा लगता है, पर हम सबको तो वापस नहीं ला सकते हैं। हमारे द फाइव बस म्यूटेंट्स को ही जिंदा कर सकते हैं, इंसानों को नहीं। तो गाइज यही बात है जो कि इटर्नल प्राइम ड्रुइग को परेशान कर रही है, क्योंकि आज तक सिर्फ इटर्नल ही ऐसे थे जो मरकर वापस आ सकते थे। पर अब म्यूटेंट्स के पास भी द फाइव नाम के 5 म्यूटेंट्स मौजूद हैं जो कि किसी भी म्यूटेंट के मरने के बाद उन्हें वापस से जिंदा कर सकते हैं। और जैसा कि एक जंगल में 2 शेर नहीं हो सकते, उसी तरह से इटर्नल्स इस चीज को पसंद नहीं करते हैं कि उनके अलावा कोई और रेस के पास ये कैपेबिलिटी हो कि वो मरकर वापस आ जाए। इधर क्राकोआ आइलैंड पर, जहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ 2 लाख के आसपास है, वहाँ पर नाइट क्रॉलर, डेस्टिनी और मिस्टिक आपस में बात कर रहे होते हैं। मिस्टिक डेस्टिनी से पूछती है कि उसे क्या महसूस हुआ है। गाइस, डेस्टिनी म्यूटेंट्स की एक ऐसी म्यूटेंट है जो कि फ्यूचर के विजन्स देख सकती है। वो बताती है कि उसे कुछ समय से कुछ ऐसे विजन्स दिखाई दे रहे हैं जिसमें उसे लग रहा है कि म्यूटेंट्स और इटर्नल्स की वार हो सकती है। तो नाइटक्रॉलर वहां से भागते हुए कहता है कि उसे इसके बारे में जल्दी ही क्वाइट काउंसिल को बताना होगा। इधर अराकी बेस पर पॉपुलेशन 10 लाख के आसपास है म्यूटेंट्स की। वहां पर मैग्नेटो, स्टॉर्म और केबल बैठ के कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर नाइटक्रॉलर थका हुआ पहुंचता है, जिस पर मैग्नेटो कहता है कि कर्ट तुम इतनी जल्दी में क्यों हो, क्या अर्थ पर सब कुछ ठीक है? तब कर्ट कहता है कि डेस्टिनी कुछ विजन्स देख रही है जिसमें इटर्नल्स हम म्यूटेंट्स पर वॉर कर सकते हैं। जिसपे केबल कहता है, इसका मतलब मामला बहुत सीरियस है, हमें जल्दी ही ये सब बात काउंसिल को बतानी होगी।
तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें अवेंजर्स माउंटेन दिखाया जाता है, जहां आयरन मैन के सामने सर्सी एक चेयर पर कैद होती है। आयरन मैन उससे सवाल कर रहा होता है। वो कहता है, सर्सी क्या तुम मुझे बताओगी कि इटर्नल्स आखिर कर क्या रहे हैं? तो सर्सी अपने कपड़ों को उतारते हुए कहती है, टोनी ये भी कोई समय है ऐसी बातें करने का, हम कुछ और भी कर सकते हैं। जिस पर टोनी कहता है, इनफ, तुम्हारी ये सब हरकतें मुझे तुम पर और डाउट करने को मजबूर कर रही हैं। तुमने पिछली बार हमको धोखे में रखा था थैनोस को लेकर, उसने तो ये अर्थ को लगभग डिस्ट्रॉय ही कर दिया था, वो तुम लोग का प्राइम बन चुका था और ये सब बातें तुमने हमसे छुपाई, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। पर तभी पीछे से कैप्टन आते हैं और कहते हैं, बस बहुत हुआ टोनी, सर्सी एक टाइम पर अवेंजर का हिस्सा रह चुकी है, उससे थोड़ी नरमी से तो पेश आना ही चाहिए। सर्सी मुझे बताओ कि क्या टोनी सही है कि इटर्नल्स किसी तरह की जंग की तैयारी कर रहे हैं? जिस पर सर्सी कहती है, नहीं टोनी तो बस ऐसे ही ज्यादा सोच रहा है। पर कैप्टन शांति से सर्सी को घूर रहे होते हैं, जिस पर सर्सी कहती है, उप्स मैटर शायद ज्यादा ही सीरियस हो गया है। टोनी कहता है, जब से तुम लोगों ने थैनोस के बारे में हमसे छुपाया, मैंने तभी से तुम लोगों पर नजर रखना शुरू कर दिया था। मुझे कल ही अटलांटिक ओशियन में कुछ एनर्जी सिग्नल्स मिले, और वहीं पर नहीं मुझे कई जगह पर इस तरह के सिग्नल्स मिले। ऐसा लग रहा है कि इटर्नल्स किसी तरह के बॉम्ब्स को टेस्ट कर रहे हो। तो सर्सी कहती है, ड्रिक क्या कर रहा है वो उसे नहीं पता। अब हम इटर्नल्स उस तरह से नहीं रहते हैं, हमने अपने आप को बांट लिया है, जिसमें मैं और बाकी के कुछ लोग अलग अलग जगहों पर रहते हैं। इधर ओलंपिया में ड्रिक बाकी के इटर्नल से म्यूटेंट को लेकर उनसे परमिशन लेने आया होता है। वो उन्हें कन्विंस करते हुए पूछता है, हमारे तीन प्रिंसिपल्स में एक प्रिंसिपल है, करेक्ट द एक्सेस डेविएशन जीन, और ये म्यूटेंट्स कोई और नहीं बल्कि उसी एक्सेस डेविएशन जीन का नतीजा है, जो कि इंसानों की तरह दिखते हैं। हमें इन्हें मारना ही होगा, ये अब तक मारे जा सकते थे पर अब ये हमारी ही तरह मरकर वापस आ सकते हैं, इनका मरना जरूरी है। जिस पर बाकी के इटर्नल्स के ग्रुप भी सहमति जताते हुए ड्रिक को ऐसा करने की परमिशन दे देते हैं, जिसके बाद ड्रिक यूरोनोस के पास आता है। वो उससे कहता है, आज हम वो करने जा रहे हैं जो तुम कभी नहीं कर पाए। जिस पे यूरोनोस कहता है, और इसके लिए तुम्हें मेरी जरूरत है, मैंने सही कहा ना? तो ड्रिक कहता है, तुम्हें हजार सालों से भी ज्यादा समय के लिए कैद करके रखा गया था, पर मैं तुम्हें एक बार आजाद होने का मौका दे रहा हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुन रखा है, इसलिए तुम्हें बस एक घंटे का समय दिया जा रहा है, जिसके बाद तुम्हें ये मशीन खुद ब खुद यही बस जेल में ले आएगी। तब यूरोनोस मुस्कुराते हुए कहता है, इंसानों को पैदा होने में 9 महीने का समय लगता है, और इन म्यूटेंट्स ने मार्स पर भी अपनी बस्ती को कोई एक दिन में नहीं बसाया होगा, और तुम मुझे बस एक घंटे का समय दे रहे हो? ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा समय है। मैं यूरोनोस द अनडाइंग उनको दिखाऊंगा कि वो एक घंटे में क्या कर सकता है। मतलब कि यूरोनोस बस एक घंटे में ही म्यूटेंट्स को मारने वाला है। वहीं हम देखते हैं कि इन सबकी प्लानिंग ड्रिक ने काफी पहले से कर रखी होती है। उसने एक म्यूटेंट जो कि बाकी के म्यूटेंट्स को जिंदा नहीं देखना चाहती है, उससे म्यूटेंट्स के डिफेंसेस उनके सीक्रेट्स के बारे में सब जान रखा होता है। वो म्यूटेंट जिसका नाम मोयरा है, वो ड्रिक को बताती है कि मैं ह्यूमैनिटी की तरफ हूँ और एंटी म्यूटेंट की मुहिम से जुड़ी हुई हूँ। जिस पर ड्रिक कहता है, तुम उन्हें एक्सेस डेविएशन कहो, वो कोई म्यूटेंट नहीं है। जिस पर मोयरा कहती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उन्हें क्या कहकर बुलाते हैं, फर्क इससे पड़ता है कि उनका होना एक सिरदर्दी है। किसी भी वॉर को जीतने के लिए यह जरूरी होता है कि उनके कम्युनिकेशन सिस्टम को जैम कर दिया जाए। वहीं पर हम देखते हैं कि म्यूटेंट्स के क्वाइट काउंसिल, जिसमें जीन ग्रे, चार्ल्स जेवियर जैसे बड़े बड़े टेलीपैथ हैं, उनको एक तगड़ा झटका लगता है, जिसे इटर्नल्स ने अपने यूनिमाइंड को फॉर्म करके उनको दिया था, ताकि ये म्यूटेंट्स टेलीपैथिकली कनेक्ट होकर कम्युनिकेट ना कर पाए। ये इतना तगड़ा झटका था कि सब टेलीपैथ वहीं पर सुन पड़ गए। ड्रिक मोयरा से कहता है, इसके बाद हमें कुछ ऐसे हमले करने होंगे जिससे उन्हें लगे कि उनका टारगेट कुछ और है, पर असल में तो टारगेट हमारा कुछ और ही होगा। मोयरा कहती है, हमें उनके टेलीपोर्टेशन गेट को उड़ाना होगा, उनका मार्स से अर्थ के कनेक्शन को खत्म करना होगा। ड्रिक कहता है, एग्जैक्टली, मैंने भी ऐसा ही कुछ सोचा था। इधर म्यूटेंट्स इटर्नल के सरप्राइज अटैक से पूरी तरह से हैरान थे। साइक्लॉप्स, वुल्वरीन सबको अपनी अपनी पोजीशन लेने के लिए कहते हैं और अराकी से कांटेक्ट करने को कहते हैं। तो जिन्हें नहीं पता, मैं उन्हें बता दूं कि अराकी म्यूटेंट्स का मार्स पर प्लैनेट की कॉलोनी है, जिसे ये लोग मार्स न कहकर अराकी कहते हैं।
ड्रिग मोयरा से कहता है, उन्हें लगता है कि हमें कुछ नहीं पता, पर हम उनकी कमजोरी जानते हैं। हम सीधा उनकी उस कमजोरी पर ही हमला करेंगे। इधर वुल्वरिन भागते हुए जा रहा होता है क्योंकि उसे कुछ स्मेल आ रही होती है। वो देखता है कि रास्ते में कुछ म्यूटेंट्स मरे पड़े हैं, लेकिन तभी वुल्वरिन का क्लॉ किसी के सीने में घुस जाता है। तब हमें दिखता है जैक ऑफ नाइफ्स, जो कि इटर्नल्स की तरफ से चाकू चलाने में काफी माहिर है। वो कहता है, आखिर लोगन ने उसे ढूंढा कैसे? जिस पर लोगन कहता है, तुम्हारे चाकुओं पर लगा खून उसे काफी दूर से ही फील हो सकता है। पर जैक ऑफ नाइफ्स अपने चाकुओं से लोगन पर हमला करते हुए कहता है, मैं तुमसे इम्प्रेस हुआ, लेकिन मेरे निशाना तुम नहीं हो। और फिर जैक ऑफ नाइफ्स वहां से गायब हो जाता है। लोगन अब समझ चुका था कि ये सब तो बस डिस्ट्रैक्शन था। इटर्नल्स का असल प्लान तो उन द फाइव को मारना है, जिनकी वजह से वो मरकर वापस आ जाते हैं। लोगन तुरंत सभी को ये बात इन्फॉर्म करके द फाइव की प्रोटेक्शन के लिए कहता है। इधर जो भी म्यूटेंट्स मरते जा रहे थे, उन्हें द फाइव मिलकर वापस से जिंदा करने में लगे हुए थे। तभी हम देखते हैं कि केबल जिंदा होता है, यानी ये हमला इतना बड़ा था कि केबल तक मारा जा चुका था। इसके पैरेलली ही हमें दिखाया जाता है यूरेनोस को, जो कि उल्टी गिनती गिन रहा होता है, और वो केबल का स्कल पकड़कर कहता है, तो ये सब कुछ इस तरह से खत्म होगा। तब हम देखते हैं कि यूरेनोस ने अराकी को एक ही झटके में तबाह कर दिया था, जहां पर मैग्नेटो का भी स्कल नजर आता है। इसका मतलब यूरेनोस ने मार्स पर सभी म्यूटेंट्स को एक ही झटके में मार दिया था और अपना मार्स पर म्यूटेंट्स को मारने वाला मिशन पूरा कर लिया था। इधर ड्रुइग अब मिशन खत्म होने के बाद यूरेनोस से वापस जेल में मिलने आता है। वो कुछ कह पाता, यूरेनोस पहले ही बोल पड़ता है, तुम फिर से मुझसे मिलने यहाँ पर आए? ऐसा तो हो नहीं सकता। इसका मतलब तो यही है कि मुझे फिर से बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि तुम अपने मिशन में फेल हुए हो, तुम उन द फाइव को नहीं मार पाए। तो ड्रिग इस बात से चिढ़ जाता है। वो कहता है, जब आपका इरादा इतना बड़ा होता है तो उसमें कहीं ना कहीं चूक हो ही जाती है, और ये काम मैं तुम्हें यहाँ से बिना बाहर निकाले ही करूँगा, तुम्हारे हैक्स को यूज करके। तो यूरेनोस कहता है, तुम वो भी करके देख लो, आखिरकार में तुम्हें जरूरत तो मेरी ही पड़ने वाली है। इधर अवेंजर्स माउंटेन पर अवेंजर्स को भी इस अटैक के बारे में पता चलता है। वो कोई एक्शन लेते कि तभी पूरी दुनिया को एक मैसेज कास्ट होने लगता है, जिसमें ड्रुइग उनसे कह रहा होता है, मेरे प्यारे ह्यूमंस, मैं ड्रुइग इटर्नल प्राइम हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम सब म्यूटेंट्स की वजह से परेशान हो, वो ऐसे लोग जो मर नहीं सकते, पर हमारा काम ही है एक्सेस डेविएशन को खत्म करना। आज आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि उन म्यूटेंट्स का सफाई अभियान मैंने शुरू कर दिया है। हो सकता है इससे आपको कुछ तकलीफ हो, तो इससे आप घबराए नहीं, हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम इटर्नल्स बने ही ह्यूमंस की प्रोटेक्शन के लिए हैं। हो सकता है आपको समुद्र से कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलें जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, पर यकीन मानिए ये सब बस आप ह्यूमंस के लिए ही है। तब हम देखते हैं बहुत सी जाइगेंटिक मशीन्स को, जिन्हें हैक्स कहकर बुलाया जा रहा होता है। ये मशीन यूरेनोस द्वारा एक्सेस डेविएशन को ख़त्म करने के लिए बनाई गई थीं, पर इनका प्रयोग वो उस समय पर नहीं कर पाया था, लेकिन ड्रुइग आज उनका इस्तेमाल करेगा। ये सब देखते ही कैप्टन बोलते हैं, अवेंजर्स असेंबल। लेकिन टोनी को अवेंजर्स माउंटेन में किसी घुसपैठ होने के सिग्नल मिलता है, जिसको ट्रेस करते हुए वो उस जगह पर पहुंच जाता है। टोनी कहता है, जब पिछली बार तुम लोगों ने इसे हैक किया था, तब मैंने इसे अपग्रेड कर दिया, इसलिए यहाँ आने का अपना सही रीजन बताओ। तब हम देखते हैं कि वहां पर कोई और नहीं बल्कि एजेक और मकारी आए होते हैं। एजेक कहती है, तुम जानते ही हो कि हम मारे नहीं जा सकते, तो हमसे लड़ना बेकार ही है। टोनी कहता है, ये पॉइंट भी सही है, पर फिर भी यहाँ आने का तुम्हारा कोई मकसद तो होगा। जिसपे एजेक कहती है, हम सब इटर्नल्स गॉड्स के बनाए रूल से बंधे हुए हैं, इसलिए मुझे सिनिस्टर और तुम्हारी जरूरत है। तो टोनी कहता है, तुम लोग जो कह रहे हो वो सुनने में काफी फैसिनेटिंग लग रहा है कि हम एक गॉड को बनाएंगे, पर मुझे बताओगे कि आखिर हम गॉड को बनाएंगे कैसे, हमारे पास सोर्स ही क्या है? जिस पर एजेक कहती है, तुम रिसोर्स की बात कर रहे हो, तुम जरा अपने आसपास देखो, तुम्हें क्या नजर आता है? ये एक गॉड ही तो है जिसे हमें मिलकर बनाना है। तब हमें एजेक का मकसद समझ में आता है कि वो आयरन मैन और सिनिस्टर के साथ मिलकर इस सेलेस्टियल को जिंदा करना चाहते हैं, जिसकी मदद से ये इटर्नल्स पर लागू होने वाले तीन प्रिंसिपल्स खत्म कर सके, क्योंकि अवेंजर्स माउंटेन जिस जगह पर है वो कोई और नहीं बल्कि एक मरा हुआ सेलेस्टियल की बॉडी है। To be continued.
अब तक की कहानी में हम देख चुके हैं कि ड्रेक को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि म्यूटेंट्स के पास भी वो टेक्नोलॉजी, वो कैपेबिलिटी आ चुकी है जो कि इटर्नल्स के पास है, जिस वजह से उसने कूटनीति का रास्ता अपनाया और सभी इटर्नल से म्यूटेंट्स के खात्मे की परमिशन को भी ले लिया। इसके लिए उसने सालों से प्रिपरेशन कर रखी थी। उसने पहले तो यूरेनस द अनडाइंग को मार्स पर भेजा, जिसने वहां जाते ही सिर्फ एक घंटे में मार्स पर बसे सभी म्यूटेंट्स को एक ही झटके में खत्म कर दिया। खुद मैग्नेटो भी यूरेनस को नहीं रोक पाया। ये जंग एक डरावना रूप ले चुकी थी, क्योंकि अब तो ड्रेक ने पूरी अर्थ पर खुला ऐलान कर दिया था कि यह म्यूटेंट्स की खैर नहीं, पर अवेंजर्स माउंटेन पर एजेक्स सरसे और आयरन मैन मिलकर अलग ही प्लान को बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो कि मरे पड़े सेलेस्टियल गॉड को जिंदा करना था। अब ये लोग ऐसा कर पाएंगे या नहीं, देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। पर कहानी आगे बढ़े तो हो सकता है आपके मन में एक डाउट हो कि यूरेनस ने कैसे एक घंटे में मार्स पर सब म्यूटेंट्स को मार दिया। इसके ऊपर एक कॉमिक का टाई इन है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा। जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे तो उसी हिसाब से मैं कोशिश करूंगा कि उस इवेंट पर वीडियो बनाऊं या नहीं। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमारी कहानी वहीं पर शुरू होती है जहां पर वो खत्म हुई थी। सभी म्यूटेंट्स जो कि क्राकोआ आइलैंड पर थे, वो अब इन बड़े बड़े हैक्स इटर्नल से लड़ने लगते हैं। ये वो इटर्नल्स हैं जिन्हें यूरेनस यूज किया करता था, जिसके बारे में काफी कम ही लोग जानते हैं। ये बस तब बुलाए जाते हैं जब बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन करना होता है, और आज ये म्यूटेंट्स पर किसी कहर की तरह बरस रहे हैं। जीन उन इटर्नल से लड़ते हुए बाकियों से पूछती है, स्कॉट मुझे बताओ वहाँ के हालात कैसे हैं? तो स्कॉट ने कहा, यहाँ सिचुएशन बद से बदतर हो रखी है। हमने कई तरह के प्रोटोकॉल्स ले रखे थे, हम लगभग हर तरह की जंग के लिए रेडी थे, पर ये तो इतने बड़े हैं कि इनसे हमने कुछ भी लड़ने का सोचा ही नहीं था कि सिचुएशन में करना क्या है और क्या नहीं करना है। पर तभी हम क्या देखते हैं, कैप्टन की शील्ड आकर सीधा उस इटर्नल को लगती है, और अब तो अवेंजर्स भी म्यूटेंट्स की मदद करने के लिए आ गए थे। मैजिक ने कहा, अवेंजर्स को यहाँ पर किसने बुलाया है? पर चलो सही ही है, इनके आने से हमें कुछ तो मदद मिल ही जाएगी। इधर अवेंजर माउंटेन पर टोनी, एजक और मक्कारी उस सेलेस्टियल को जिंदा करने की बात कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर बैठा सिनिस्टर कहता है, ओह तो मुझे अब समझ में आया कि तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर किडनैप करके क्यों लाए हो, पर मैं तुम्हें बता दूं कि इस काम में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। आखिर ये लोग मेरे ही लोग हैं, ये अर्थ मेरा भी तो घर है। कैप्टन स्कॉट से पूछते हैं कि क्या वो बता सकता है इन सब की वजह क्या है, जिसपे स्कॉट कहता है, ये लोग हमारे रीइंकार्नेशन प्रोग्राम को खत्म करना चाहते हैं, जिससे हम मर के भी वापस आ सकते हैं। अगर वो खत्म हो गया तो समझ लो हम सब भी खत्म। यहाँ वैसे भी ज्यादातर म्यूटेंट लड़ नहीं सकते हैं, इसलिए हमें इन्हें सेफली वॉल्ट तक पहुँचाना होगा। पर तभी हम देखते हैं कि नेमोर का एक जबरदस्त क्रू एक हैक्स को गिरा देता है, जिस पर जीन कहती है यही सही मौका है, और वो भी एक जबरदस्त अटैक करती है जिससे एक हैक्स वहीं पर समुन्द्र में गिर जाता है। ये जंग इतनी खतरनाक हो चुकी थी कि समुन्द्र के किनारे बसे शहर में सुनामी की चेतावनी आने लगी। कुछ जगह तो अर्थक्वेक्स तक आ रहे थे, अर्थ मानो जैसे कांप रही थी। ये खबर सुनते ही कैप्टन बाकी के अवेंजर्स को उन शहरों को प्रोटेक्ट करने के लिए भेज देते हैं। अवेंजर्स को जाता देख नाइट क्रॉलर कहता है, ये लोग हमसे धोखा कैसे कर सकते हैं, ये लोग इस जंग को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हैं। जिस पर डेस्टिनी कहती है, ये जंग हमारी है, हमें ही इसे लड़ना होगा, मैंने फ्यूचर देखा है, लास्ट में बस हम अकेले ही रह जाएंगे जैसा हर बार होता है। गाइस, कर्ट ये समझ नहीं पा रहा था कि अवेंजर्स होना सिर्फ दुश्मन से लड़ना ही नहीं है, बल्कि लड़ते हुए लोगों को बचाना भी है। इधर सेलेस्टियल को जिंदा करने का प्रोसेस शुरू हो चुका था, जिसके लिए उन्हें अर्थ पर पहले क्या है सेलेस्टियल की बॉडी से कुछ ना कुछ चीजें निकालनी थी। उन्होंने अरिशेम द जज वाले सेलेस्टियल की बॉडी से उसका हाथ, ड्रीमिंग सेलेस्टियल से कुछ एनर्जी, और जो सदियों पहले इटर्नल ओडन के हाथों मारा गया था उसके भी बॉडी से कुछ पार्ट्स निकाले, जिन्हें अब टोनी के नर्वस सिस्टम से मशीन के जरिए उस सेलेस्टियल के अंदर अपलोड करना था, क्योंकि कुछ वक्त पहले आयरन मैन को कॉस्मिक पावर मिली थी, हालांकि अब वो उसके पास नहीं रही, लेकिन उसकी बॉडी में कुछ अंश अभी भी शेष थे, जिसकी वजह से टोनी ऐसा कर पा रहा था। टोनी कहता है, देखो मैं इसे बना रहा हूँ, तो एक तरह से मैं इसका फादर हुआ ना। गाइस, तो इस तरह से बाकी सेलेस्टियल्स की बॉडी के टुकड़े से इस नए गॉड को क्रिएट किया जा रहा था। वहीं इन सबसे दूर क्राकोआ पर
साइन नाम के एक इटर्नल ने भारी तबाही मचा रखी थी। तभी एक्सोडस जो कि एक म्यूटेंट है वो पूरी स्पीड से आता है और साइन से जा टकराता है, जिससे साइन का आर्मर वहीं पर टूट जाता है। अब वक्त आ गया था कि साइन को मरना होगा। आर्मर के टूटते ही एक्सोडस उस सेलेस्टियल के अंदर किसी न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह जाकर खुद को ब्लास्ट कर देता है। ये देखकर म्यूटेंट्स तो काफी खुश होते हैं क्योंकि अब उन हेक्स में से एक कम हो चुका था। पर ये सब किसी भी तरह से रुकने वाला नहीं था क्योंकि भले ही एक्स का एक मेंबर मर चुका था लेकिन वो फिर से वापस से जिंदा हो जाएगा। वही म्यूटेंट्स भी जो मरते जा रहे थे वो फिर से जिंदा होते जा रहे थे। ये एक एंडलेस वॉर बन चुकी थी जिसमें म्यूटेंट्स का पलड़ा हल्का था क्योंकि इटर्नल्स को रिजनरेट करने वाली मशीन को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, पर अगर म्यूटेंट्स के द फाइव मारे गए तो उनके लिए फिर से जिंदा होना नामुमकिन सा है। क्राकोआ आइलैंड पर अब और भी ज्यादा तबाही मचना चालू हो चुकी थी। इधर एजैक अपनी पावर से उस गॉड को फाइनल टच देती है जिसके बाद कोई कहता है, गॉड अब आ रहा है, वो फिर से एक बार और जिंदा हुआ, वो आने के बाद अपना फैसला सुनाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सेलेस्टियल उठते ही कहता है सीज, ये वॉर यहीं पर खत्म होती है। उस सेलेस्टियल के ऐसा कहते ही सभी अवेंजर्स खुश हो जाते हैं क्योंकि इटर्नल्स अब वहां से जाने लगते हैं। एजेक और मकारी कहते हैं हमने कर दिखाया, लेकिन तभी वो सेलेस्टियल आगे कहता है, पीपल ऑफ अर्थ, तुमने इतने सदियों से इस प्लेनेट पर राज किया है, तुम किसी छोटे बच्चे की तरह हो जो बस चीजें बर्बाद करना जानते हैं। तुमने मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। आज वो दिन आ गया है जब मैं तुम लोगों को जज करूंगा। दिस इज योर जजमेंट डे। तुम्हारे पास अब सिर्फ 24 घंटे हैं। तुम सब अकेले जज किए जाओगे और कलेक्टिवली भी। अगर तुम लोग मेरे जजमेंट में सही पाए गए तो जियोगे, और गलत पाए गए तो अगला सूरज तुम्हें देखने को भी नहीं मिलेगा। गाइज ये क्या, ये तो अवेंजर्स का दाव उनपे और पूरी अर्थ पर भारी पड़ चुका था क्योंकि ये सेलेस्टियल अब पूरी अर्थ को जज करने वाला था। और आज का ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब आगे क्या होगा वो तो हम आने वाले एपिसोड्स में ही जान पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें। अब तक की कहानी में हम देख चुके हैं कि कैसे इटर्नल्स को हराने के लिए आयरन मैन, एजेक और मकारी ने एक सेलेस्टियल गॉड को बनाया ताकि इटर्नल्स के प्रिंसिपल्स को चेंज करके उन्हें म्यूटेंट्स के साथ रहना सिखाया जाए। लेकिन उस सेलेस्टियल गॉड के बनते ही मामला उल्टा पड़ जाता है। अब तक सिर्फ म्यूटेंट्स पर खतरा था, लेकिन सेलेस्टियल गॉड प्रोजेनेटर के जिंदा होते ही उसने पूरी अर्थ को अपने सामने साबित करने को कह दिया। अब अगर 24 घंटे में इंसानों ने खुद को सही प्रूफ कर लिया तो वो जिएंगे, और अगर ह्यूमंस प्रोजेनेटर के इस जजमेंट में फेल हुए तो वो मरेंगे। अब आगे प्रोजेनरेटर ने अपना फैसला सुना दिया था। उसने इंसानों को सिर्फ 24 घंटे की ही मोहलत दी। गॉड के ऐसा फरमान से सब शॉक में थे। एजेक और मकारी तो समझ ही नहीं पाए कि ऐसा कैसे हो गया। एजेक कहती है, गॉड इतने अनजस्ट कैसे हो सकते हैं? उन्होंने पहले भी अपने जजमेंट दिए हैं जिसके बाद हमने तबाही के मंजर अपनी आंखों से देखे हैं। कहीं इसके ऐसा बनने के पीछे ह्यूमन एलिमेंट तो नहीं है? जिस पर आयरन मैन ने कहा, तुम ऐसे ही सारा ब्लेम मुझ पे कैसे डाल सकती हो? ये हमने मिलकर बनाया है। लेकिन तभी कैप्टन आकर कहते हैं, हम ये ब्लेम डालना किसी और दिन कर लेंगे, पर अभी जरूरत है कि हम इस सिचुएशन से बेहतर ढंग से कैसे निपट सकते हैं। वक्त बहुत तेजी से निकलता जा रहा है। वहीं प्रोजेनेटर कैप्टन की ये सब बातें सुनकर कहता है, ये अभी भी लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश कर रहा है। ये खुद को ऐसे शो करता है जैसे कि ये लीडर हो, इसकी हर कोई बात सुनता है, इसलिए सबसे पहले मैं ही इसे जज करूंगा। तब वो सेलेस्टियल गॉड सबके सामने कैप्टन को जज करते हुए कहता है,
तुम हमेशा ही लोगों को इंस्पायर करने, उनके दिलों में उम्मीद जगाने की कोशिश करते हो। तुम प्रिटेंड तो ऐसा करते हो जैसे तुम एक बेहतर दुनिया बनाना चाहते हो। तुम एक उस कंट्री के वासी हो जो कि दुनिया में एज अ वर्ल्ड लीडर जाना जाता है, पर क्या तुमने इस दुनिया को बेहतर प्लेस बना पाया? नहीं। क्या तुमने लोगों को इंस्पायर किया? नहीं। तुम फेल ही हुए हो, इसलिए मैं प्रोजेनेटर तुम्हें इस टेस्ट में थम्स डाउन देता हूँ। कैप्टन का गॉड के सामने फेल हो जाना हर किसी को बहुत शॉक कर देता है। ये एक दिन में दूसरा सबसे बड़ा झटका था ह्यूमंस के लिए, क्योंकि कैप्टन ने हमेशा ही लोगों को इंस्पायर, उनको एक उम्मीद दी है। उन्हें कई लोग सच्चाई का पुतला, कानून का रखवाला मानते हैं। अगर वो ही इस टेस्ट में फेल होने लगे तो बाकियों का क्या होगा? अपना जजमेंट सुनने के बाद भी कैप्टन घबराते नहीं हैं, बल्कि वो कहते हैं, ये तुम्हारा तरीका हो सकता है, मेरा नहीं। हम हार नहीं मानने वाले, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। इधर एक्सक्लूजन में ड्रूग यूरोनस से मिलने आता है। ड्रूग ने कहा, तुमने मार्स पर जो किया वो काबिले तारीफ था, जिस पे यूरोनस ड्रूग को रोकते हुए कहता है, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम अपने मिशन में फेल कर गए, तुम उन द फाइव को नहीं मार पाए। ड्रूग कहता है, मैंने जैक ऑफ नाइफ को उन्हें मारने भेजा था। हाँ, उसने मुझे डिसअपॉइंट जरूर किया, लेकिन उसकी कोशिश अब भी जारी है। हमारी प्रॉब्लम कुछ और है। तो यूरोनस ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, हमारे नए गॉड जो आ गए हैं, इस दुनिया ने उनको डिसअपॉइंटमेंट दी है, लेकिन वो अपना फैसला सुनाएंगे। अभी अभी उन्होंने उस कैप्टन को अपने जजमेंट में फेल किया है, क्योंकि वो अपने एम में सक्सेस नहीं हो पाया था। तुम्हें लगता है कि हम उनके जजमेंट से बच जाएंगे? हम इटर्नस भी उनके लिए फेलियर हैं, क्योंकि हमने भी अपना तीसरा प्रिंसिपल करेक्ट द डेविएशन जिन को सही से नहीं निभाया है। हम भी उनकी नज़रों में एक फेलियर ही हैं। जिस पे ड्रूग कहता है, हम अपने गॉड को यूं ही नाराज नहीं कर सकते, हमें अपना काम करना होगा, हम एक्सेस डेविएशन जीन को ख़त्म कर रहेंगे। तो यूरोनस ने कहा, ये तुम अकेले इतनी जल्दी नहीं कर पाओगे, तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। इस पर ड्रूग ने कहा, ग्रैंडफादर, अभी सिचुएशन उतनी भी हाथ से नहीं निकली है, अगर मुझे आपकी ज़रूरत लगी तो मैं आपको ज़रूर बुलाऊँगा। इधर अवेंजर्स इस गॉड को बंद करने का सोच रहे होते हैं। टोनी स्टार्क कहता है, क्या ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इसके नोट को एक जबरदस्त झटका दिया जाए जिससे ये गॉड बंद हो जाए? तो एजक कहती है, तुम्हें क्या ये बस एक साइंस का एक्सपेरिमेंट लग रहा है जिसे तुम कभी भी शट डाउन कर दो? ये हमारे गॉड हैं, हमें सिचुएशन से निपटने के लिए कोई ना कोई तरकीब लगानी होगी। इतना कहकर एजक और मकारी वहां से चले जाते हैं। फेस्टोस कहता है, टोनी इसकी बातों का बुरा मत मानना, लेकिन इस काम में काफी रिस्क है, हम नहीं जानते कि इसका क्या परिणाम निकलेगा, कहीं ऐसा ना हो कि इस चक्कर में हम इस दुनिया को विनाश के करीब लाकर खड़ा कर दें। एजक एक बिलीवर है, लेकिन मकारी वो उससे भी बड़ी बिलीवर है, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम कोई और सॉल्यूशन पर वर्क करें बजाय कि सेलेस्टियल को उड़ाने के। ये सब हमें सेफली और सीक्रेटली करना होगा। जिस पर सिनिस्टर हंसते हुए कहता है, सीक्रेट, ये मुझे काफी पसंद है। इधर क्राकोआ आइलैंड पर एक साइकिक बैटल चल रही होती है, क्योंकि यूनिमाइंड ने म्यूटेंट्स के सभी टेलीपैथ पर साइनिक अटैक किया था। पर तभी सिनिस्टर उनसे टेलीपैथिकली कनेक्ट होकर कहता है, मुझे तुम सबको कुछ बताना है, हम इस जजमेंट को रोक सकते हैं, इसके लिए हमें सीक्रेटली कहीं और मीटिंग करनी होगी। और तभी सभी टेलीपैथ एक सीक्रेट टेलीपैथिकली मीटिंग में आ जाते हैं। सिनिस्टर उन्हें सब प्लान बताता है कि वो लोग इस सेलेस्टियल के नॉट को हिट करके उसे शट डाउन कर सकते हैं, लेकिन सिनिस्टर उन्हें ये नहीं बताता कि इसमें रिस्क है। और अब ये अधूरी इन्फॉर्मेशन के साथ बाकी के म्यूटेंट्स ये सोचने लगते हैं कि उन्हें सिनिस्टर की बात माननी चाहिए या नहीं, जिसके लिए वो लोग वोटिंग करते हैं। हालांकि इस वोटिंग में एमा उस गॉड को उड़ाने के पक्ष में नहीं थी, क्योंकि कुछ म्यूटेंट्स ये बात समझ रहे थे कि ऐसा करना खतरे को और बढ़ाना भी हो सकता है। लेकिन जीन कहती है, हम उसे उड़ाएंगे, हमें ये करना ही होगा, अगर हम एक हेडशॉट ले सकते हैं तो उसे जरूर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वो एक सबसे कम रिस्क की चांस होता है। गाइज, ये म्यूटेंट सिनिस्टर की बातों में फंस चुके थे, और वोटिंग का रिजल्ट सिनिस्टर के बताए प्लान के मुताबिक निकला। अब ये लोग उस गॉड को डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं जिसने ना जाने कितने वर्ल्ड को अपने हाथों से बनाया था। एमा कहती है, अब जब तुम लोगों ने ये डिसाइड कर ही लिया है तो जरा मैंने भी कुछ सोचा है, इसमें कुछ मेहनत तो लगी बट वो काम आ गया। तब हम देखते हैं डेवियंट्स को, जो कि म्यूटेंट्स के टेलीपोर्टेशन गेट से टेलीपोर्ट होकर सीधा क्राकोआ आइलैंड पर आने लगे थे। साइक्लॉप्स कहता है, ये सब यहाँ कैसे आ सकते हैं, ये तो डेवियंट्स हैं। जिस पर क्रो डेवियंट का लीडर कहता है,
हाँ, पर हम इन गेट्स के ही जरिए यहाँ पर आए हैं। तुम हमें डेवियंट्स कहते हो और इटर्नल तुम्हें म्यूटेंट्स कहते हैं। उनके मकसद हमें मारना है। तुम लोग बस हम लोगों का एक विकसित वर्जन हो, लेकिन हमारी कोर जेनेटिक्स सेम ही है। हम सभी डिवियंट्स या कहें कि म्यूटेंट्स ही हैं, वरना इन गेट के जरिए हम कभी भी ट्रेवल नहीं कर पाते। और क्या तुम नहीं चाहोगे कि इस जंग में तुम्हारा हाथ बटाने को और भी लोग हिस्सा ले लें? वहीं दूसरी तरफ आयरन मैन, एजक और मकारी दूसरे प्लान पर डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि कैप्टन उन्हें बताते हैं कि कुछ म्यूटेंट्स अपनी पूरी आर्मी के साथ इधर ही आ रहे हैं। ये सुनकर एजक टोनी पर भड़क जाती है, क्योंकि उसे लगा कि मना करने के बावजूद भी टोनी ने अपने प्लान को आगे बढ़ाया। टोनी कहता है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया। पर जल्द ही ये लोग समझ जाते हैं कि ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि सिनिस्टर था। टोनी सिनिस्टर पर गुस्साते हुए पूछता है, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? इससे मिलियंस मारे जाएंगे। सिनिस्टर ने कहा, लेकिन बिलियंस को बचाया जा सकता है। हम यही तो करते हैं, लोगों को बचाना। लेकिन ह्यूमंस कभी भी म्यूटेंट्स के सेक्रीफाइस को नहीं समझ पाएंगे। हम इस तरह के ब्लेम्स की आदत डाल चुके हैं। तुम चाहे तो मुझे बाद में थैंक्स कह देना, अगर कुछ भी ठीक नहीं हुआ तो मत कहना, क्योंकि तब ये दुनिया ही नहीं बचेगी। वहीं अब म्यूटेंट सिनिस्टर के बताए प्लान के मुताबिक प्रोजेनिटर के पास पहुंच चुके थे। अब क्योंकि सिनिस्टर ने नॉट की सिक्योरिटी को डिसेबल कर दिया था, तो म्यूटेंट्स के लिए ये अच्छा चांस था कि वो उसे तोड़ सकें। लेकिन सेलेस्टिया पर हमला होते ही इटर्नल का एक प्रोटोकॉल एक्टिव हो जाता है, प्रोटेक्ट द सेलेस्टियल। और तभी वहां पर एक बार माहौल फिर से जंग का बन जाता है। इटर्नल सेलेस्टियल्स के बनाए प्रिंसिपल से बंधे हैं, उन्हें हर हालत में उस सेलेस्टियल को प्रोटेक्ट करना होगा। इटर्नल अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन डेवियंट्स के आ जाने की वजह से म्यूटेंट्स का पलड़ा अब भारी हो चुका था। तभी जीन ग्रेस क्रिस्टल नॉड तक पहुंच जाती है और अपनी टेलीकाइनेसिस एनर्जी से उस क्रिस्टल नॉड को तोड़ देती है। आयरन मैन कहता है, ये तुमने क्या किया? इससे लाखों की जानें जा सकती हैं। तुम्हें क्या लगा ये मैंने क्यों नहीं किया? तो जीन घबराते हुए पूछती है, क्या ये सही प्लान नहीं था? टोनी कहता है, तुम लोगों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। इसमें बहुत रिस्क था, या शायद नहीं था, हम बस अंदाज लगा रहे थे। पर कुछ मिनट्स तक वहाँ कुछ भी नहीं होता है, जिस पर टोनी कहता है, शायद ये प्लान सही था। पर तभी वहाँ वाइब्रेशन होना शुरू हो जाती है और एक जबरदस्त शॉक वेव के साथ वो सेलेस्टियल ब्लास्ट हो जाता है। ये धमाका इतना तगड़ा था कि पास के सभी इटर्नल्स और म्यूटेंट्स तुरंत वहीं के वहीं राख में बदल गए। उसके बाद उस जगह के नजदीक के शहर, फिर देश, फिर पूरा कॉन्टिनेंट, ये सब बस तबाह हो रहा था। और फिर अंत में बचा तो सिर्फ अंधेरा। पर तभी रोशनी आती है और सबको पता चलता है कि ये बस अभी जो भी हुआ, सेलेस्टियल की नॉट को तोड़ना और इटर्नल्स के साथ जंग, वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये बस प्रोजेनिटर ने उन सबको एक विजन दिखाया था कि अगर वो लोग ऐसा करते तो उसका परिणाम क्या निकलता। जीन ये सब देखकर रोने लगती है, क्योंकि उन म्यूटेंट्स के इस फैसले से पूरी अर्थ अभी तबाह हो सकती थी। फिर प्रोजेनिटर ने कहा, तुम लोग शायद अभी भी नहीं समझे, मैं ये तुम लोगों को अंतिम चेतावनी देता हूँ कि खुद को या तो साबित करो या फिर मरो। तुम सबके सब जज किए जाओगे और गॉड के जजमेंट में एमा को थम्स डाउन, डिवियंट्स को थम्स अप, डेस्टिनी को थम्स डाउन मिलता है और बाकी लोग जल्दी ही जज किए जाएंगे। इधर एजक सिनिस्टर पर गुस्साते हुए उसे मारने को दौड़ती है, क्योंकि आज उसकी वजह से अर्थ डिस्ट्रॉय हो सकती थी। आयरन मैन ने कहा, हम अब कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये गॉड बहुत शक्तिशाली है। तुमने देखा नहीं कि ये क्या कर सकता है? इसने एक झटके में अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया। जिस पर कैप्टन कहते हैं, हम एक चीज तो कर ही सकते हैं, हमें जब टेस्ट देना ही है तो हमें कैसे भी करके सब ह्यूमंस को कनेक्ट करना होगा, ताकि हम सबको इस टेस्ट में पास करवा सकें। जिस पर सरसी कहती है, ये तुमने अच्छी बात की कैप्टन, मेरे पास इसके लिए एक बेहतर प्लान है, जिससे हम सबसे वो करवा सकते हैं जो कि हम करवाना चाहते हैं। इसके लिए मुझे कुछ वक्त और थोड़ी सी इलीगल एक्टिविटी करनी होगी, जिसके बाद हम देखते हैं एक्सक्लूजन। ये वही जगह है जहां इटर्नल्स को कैद करके रखा जाता है। यहीं पर यूरोनॉस भी कैद है और इस जेल को ब्रीच करने की हेल्प जैक ऑफ नाइव्स ने सरसी के लिए की है, क्योंकि जैक ऑफ नाइव्स किसी की तरफ से काम नहीं करता है। उसे जो भी मोटी रकम देगा वो उसका काम करेगा। जैक कहता है, तुम जिसकी जेल तोड़वाना चाहती हो वहाँ कोई टाइट सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा प्रस्ताव मान गया। वैसे तुम्हें इसकी जरूरत ही क्यों है? ये ना तो कोई पावरफुल इटर्नल है, ना ही इसमें कुछ खास है। तब हम देखते हैं कि ये लोग जिसे जेल से भगाने आए हैं वो दरअसल में स्टार फॉक्स है, जो कि थानोस का भाई है। स्टार फॉक्स कहता है,
तो तुम लोग मुझे निकालने आ गए। वैसे भी इस दुनिया को प्यार की बहुत जरूरत है। स्टार फॉक्स की इन्हीं लाइंस के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब आगे देखना होगा कि कैसे स्टार फॉक्स इस दुनिया को बचाने के लिए की साबित हो सकता है। अब अगर आप चाहो तो मार्वल वर्सेस डीसी का एक क्रॉसओवर भी देख सकते हो, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो अब मैं चलता हूँ। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब तक हम काफी कुछ देख चुके हैं। सेलेस्टियल का जगना, उसका जजमेंट डे डिक्लेयर करना और यूरोनॉस का एक घंटे में म्यूटेंट्स को खत्म कर देना। पर यूरोनॉस ने कैसे सिर्फ एक घंटे में मार्स प्लेनेट पर बसे म्यूटेंट्स को मार दिया, आज की वीडियो में हम वही देखेंगे। ये वीडियो सिर्फ आपकी डिमांड पर आई है तो इसे लाइक जरूर कर देना। इससे मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा, बस लगेगा कि मेरे 5 घंटे वसूल हो गए। तो अब अगर आप में से कोई व्यूअर इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो मैं उसे यही कहना चाहूंगा कि वो इस इवेंट को पूरा समझने के लिए इस इवेंट का फर्स्ट एपिसोड से देखना इसकी शुरुआत करें। तो अब इस इवेंट को आगे देखते हैं। इंसान इस प्लेनेट को मार्स के नाम से जानते हैं, पर म्यूटेंट्स ने इस बंजर पड़े प्लेनेट में जान फूकी, इसे रहने लायक बनाया, इस पर वनस्पति उगाई, यहाँ घर, सड़क, वो हर सुविधा की चीजें बनाई जो कि उन्हें अर्थ पर मिलती थीं। पर इन म्यूटेंट्स ने इस प्लेनेट को अराको नाम दिया। यूरोनॉस के हमले से कुछ देर पहले जब नाइट क्रॉलर ने इनको डेस्टिनी के विजन के बारे में बताया कि इटर्नल्स इन पे हमला कर सकते हैं, तब सभी म्यूटेंट्स जो कि अराको पर मौजूद थे वो अपनी स्ट्रेटेजी बनाने लगे। अराको प्लेनेट पर रहने वाले म्यूटेंट्स का लीडर मैग्नेटो है। इन सबको नहीं पता था कि इटर्नल हमला कब करेंगे। एबिगेल ब्रांड जो कि सॉर्ड हेडक्वार्टर की हेड है, वो भी मैग्नेटो को अपना सपोर्ट देने आई होती है। इन्हें क्या पता था कि उन पे हमला करने कौन आएगा। उन्हें तो यूरोनॉस के बारे में भी कुछ खबर नहीं थी। अभी ये सब डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि आसमान में कुछ रोशनी होती है। केबल और बाकी सब ये देखकर थोड़ा अलर्ट हो जाते हैं, पर अब देर हो चुकी थी और एक धमाका होता है जिसके बाद आवाज आती है, मैं यूरोनॉस हूँ, तुम सब म्यूटेंट्स अब डिविएट हो चुके हो, इसलिए मैं यूरोनॉस द अनडाइंग तुम्हें करेक्ट करने आया हूँ। मुझसे ज्यादा रेजिस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास बस 1 घंटा है, लेकिन अगर तुम चाहो तो रेजिस्ट कर सकते हो। गाइस, यूरोनॉस अब मार्स पर आ चुका था। उसने आते ही 11,553 म्यूटेंट्स को एक ही झटके में मार दिया। यूरोनॉस का टाइम स्टार्ट हो चुका था। ड्रेक मशीन पर स्टेटस देखकर पूछता है, क्या सेलेस्टियल प्रोटेक्टेड है? हाँ। क्या मशीन प्रोटेक्टेड है? हाँ। क्या डिविएशन करेक्शन प्रोसेस चल रहा है? हाँ। इसके बाद पूरे मार्स पर यूरोनॉस की आर्मरी एक पोर्टल के थ्रू बाहर निकलना चालू हो जाती है। लोग नहीं जानते कि यूरोनॉस को कैद क्यों किया गया था। उसे इन्हीं सब कामों की वजह से तो कैद किया गया था क्योंकि उसने सोच से भी आगे के वेपन बना रखे थे जिससे वो प्लैनेट्स के प्लैनेट्स अकेले ही डिस्ट्रॉय कर सकता था। उसकी आर्मरी इतनी परफेक्ट थी कि यूरोनॉस उसे कहीं से भी यूज कर सकता था। यूरोनॉस की आर्मरी मार्स पर डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर देती है। सॉर्ड हेडक्वार्टर, जिसे फर्स्ट डिफेंस वॉल ऑफ अर्थ माना जाता है, वो तो ताश के पत्तों की तरह सेकंड्स में बिखर गया। यूरोनॉस को मरने वालों में किसी से कोई मतलब नहीं था कि मरने वाला आदमी है, औरत है या फिर बच्चा। उसका बस एक ही टारगेट था, डिविएट हो चुके म्यूटेंट्स को खत्म करना। तभी ओरा द जज, जो कि एक आंख के जैसा म्यूटेंट है, वो यूरोनॉस से कहता है, तुम्हें सीज किया जाता है कानून के बंधन में। लेकिन उसकी पावर का यूरोनॉस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यूरोनॉस ने कहा, मेरे ऊपर कोई कानून नहीं चलता है, मुझे बस प्रिंसिपल्स मानने होते हैं और मैं वही मान रहा हूँ। मेरा प्रिंसिपल है एक्सेस डिविएशन को खत्म करना। जिसके बाद यूरोनॉस के इशारे पे एक पोर्टल खुलता है और ओरा द आई घायल हो जाता है। पर तभी वहाँ एक म्यूटेंट आता है जो कि यूरोनॉस से कहता है, यहाँ से बाहर चलो। यूरोनॉस भी उसे देखकर कहता है, तुम काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हो, चलो तुम्हारी भी इच्छा पूरी करता हूँ। और वो म्यूटेंट जिसका नाम लीजन है, जो कि चार्ल्स जेवियर का बेटा है, वो उसे अपने साथ मार्स से बाहर ले जाता है लड़ने के लिए। एक पल के लिए बाकियों को लगा कि लीजन अब बस संभाल लेगा क्योंकि वो काफी पावरफुल म्यूटेंट माना जाता है।
पर ये क्या, तभी वहां पर कुछ ही देर में फिर से यूरोनॉस वापस आ जाता है, वो भी अकेला। इसका मतलब उसने लीजन को भी मार दिया था। ये देखते ही मैग्नेटो अपने फुल पोटेंशियल से मेटल का यूज करते हुए यूरोनॉस पर अटैक कर देता है। यूरोनॉस को मैग्नेटो ने अपने मेटल से जकड़ लिया था। यूरोनॉस ने कहा, मैग्नेटिज्म और टेलीकाइनेसिस का मिक्सचर मुझे काफी पसंद आया। तो मैग्नेटो ने कहा, मैं तुम जैसों से पहले भी भिड़ चुका हूँ। जिस पर हंसते हुए यूरोनॉस ने कहा, क्या सच में तुम मुझ जैसों से लड़े होगे? लेकिन मुझसे नहीं। इतना कहते ही यूरोनॉस ने मैग्नेटो की फोर्स फील्ड को तोड़ दिया। यह नामुमकिन था। मैग्नेटो एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है जिसको उसके फुल पोटेंशियल में हराना लगभग इम्पॉसिबल है, पर अब यह पॉसिबल हो चुका था। और तभी यूरोनॉस अपनी सुपर स्पीड से आकर सीधा अपना हाथ मैग्नेटो के छाती में घुसेड़ देता है। मैग्नेटो का दिल अब यूरोनॉस के हाथ में था। ये मंजर बहुत डरावना था। किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि मैग्नेटो अब गिर चुका था। जल्दी ही सब म्यूटेंट्स ये बात समझ चुके थे कि अगर मैग्नेटो नहीं टिक पाया तो वो बस किस खेत की मूली है। इसीलिए देर ना करते हुए केबल ने भी अपने अर्सलान से सबसे पावरफुल गन को समन किया। ये गन 3877 सेंचुरी की सबसे पावरफुल वेपन है, जिसकी बुलेट सॉलिड लाइट है, जिनमें इतनी पावर है कि वो ऑस्मियम तक को गला सकती हैं। केबल अपनी गन से यूरोनॉस पर हमला कर देता है। लेकिन ये क्या, यूरोनॉस के मुंह से कुछ बूंद खून के अलावा और कुछ भी नहीं हुआ। उसने कहा, बस क्या तुम इतना ही कर सकते थे? फिर अपने पावरफुल ब्लो के साथ केबल और बाकी सबको वहीं पर खत्म कर दिया। मार्स, जो बस एक घंटे पहले हंसता खेलता प्लेनेट हुआ करता था, वहां बस अब राख बची थी। यहाँ खून का कतरा तक नहीं बचा था, क्योंकि यूरोनॉस की आर्मरी ने सब जला दिया। बचा तो बस बंजर मैदान और म्यूटेंट्स की हड्डियों के कंकाल, जिस पर यूरोनॉस खड़ा था। उसने हंसते हुए कहा, तो अब मेरा समय खत्म होता है। और अब यूरोनॉस वहां से टेलीपोर्ट होकर एक्सक्लूसिव जेल में पहुंच जाता है। मार्स पर 98% पॉपुलेशन वाइप आउट हो चुकी थी। 2% भी बस वो बचे थे जिनकी पावर किसी बैक्टीरिया की तरह थी। तभी उन हड्डी की ढेर में हलचल होती है। हम एक म्यूटेंट को जिंदा होते देखते हैं। इस म्यूटेंट की पावर पैरासाइट की तरह थी, इसलिए वो बच गया था। वो म्यूटेंट अपने आप से कहता है कि क्या उसने अपने म्यूटेंट भाइयों के साथ धोखा दिया कि वो अपनी जान बचाने के लिए छिप गया, या उसने ठीक किया? क्योंकि बहादुरी वो दिखाकर भी क्या कर पाता, वो उसके सामने नहीं टिक पाता। लोग उसे कैसे याद करेंगे वो मैटर नहीं करता। मैटर तो ये करता है कि अब वो अपना रिवेंज कैसे लेगा। लेकिन तभी उसे अपने पीछे हलचल सुनाई देती है। तब हम देखते हैं मैग्नेटो को, जो कि अभी भी जिंदा था। उसके सीने से दिल गायब था, लेकिन किसी तरह की रोशनी उसके सीने को जगमगा रही थी। मैग्नेटो उठते ही कहता है, अब वक्त आ चुका है बदला लेने का। और मैग्नेटो की इन्हीं लाइन के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। पर आज हमने यूरोनॉस की असली ताकत को जाना, उससे क्यों यूरोनॉस द अनडाइंग कहा जाता है हमने वो भी जाना, क्योंकि केवल की 3877 सेंचुरी की फ्यूचर की मशीन भी यूरोनॉस का कुछ नहीं कर पाई। हाँ, वैसे भी यूरोनॉस एक इटर्नल था जो कि मर भी जाता तो वापस से रिजरेक्ट हो जाता, पर उसे उस मशीन गन से खरोंच तक नहीं आई। इससे समझ आता है कि यूरोनॉस किस मिट्टी का बना हुआ है। उसने साबित कर दिया कि वो थैनोस के बाप का भी बाप है। इस स्टोरी को नैरेट करने के बाद मैं भी यूरोनॉस के बारे में जानने को एक्साइटेड हो गया हूँ। आप लोग का सपोर्ट मिला तो उस पर आगे की स्टोरीज जल्दी ही लाऊंगा। तो अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे बेरहमी के साथ यूरोनॉस ने मार्स पर बसे म्यूटेंट्स को खत्म कर दिया, पर मैग्नेटो बच गया था। अर्थ पर प्रोजेनेटर सेलेस्टियल ने ह्यूमंस को सिर्फ 24 घंटे का वक्त दिया ताकि वो खुद को साबित कर पाए कि अर्थ पर रहने के हकदार वो हैं या फिर नहीं। लेकिन इटर्नल्स ने कुछ सोच रखा था, कुछ ऐसा जो कि उन्हें शायद बचा सकता था। उन्होंने जैक ऑफ नाइफ्स की मदद से थैनोस के भाई स्टार फॉक्स को जेल से निकलवाया था। अब देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि क्या स्टार फॉक्स कोई तरकीब लगाकर इन सबको बचा पाएगा या नहीं। अब आगे प्रोजेनरेटर सेलेस्टियल का अर्थ पर फैसला हर एक इंसान सुन चुका था। वो बस समझ गए थे कि उनकी अर्थ अब बस 24 घंटे की ही मेहमान है, इसलिए सब तरफ सिर्फ अफरा तफरी का माहौल बन चुका था।
कैप्टन सबको शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इंसान अब किसी की नहीं सुनने वाले थे। प्रोजेनरेटर बताता है, ये इंसान सोचते हैं कि इनके हीरोज इन्हें बचा सकते हैं, इन्हें बेहतर दुनिया दे सकते हैं। ये गलत है, जो अपनी जिम्मेदारी किसी और पर थोपते हैं। अगर ये हीरोज पर डिपेंड ना होकर खुद के हीरोज बने होते, तब शायद इन्हें आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मौत का खौफ इतना तगड़ा होता है कि उसके आगे कोई भी इंसान किसी की कुछ नहीं सुनता है। और हम देखते हैं, न्यूयॉर्क सिटी में पैनिक इतना बढ़ चुका था कि वो कैप्टन तक की बात को सुनने को रेडी नहीं थे। और अब तो भीड़ ने खुद कैप्टन को पकड़कर उन्हें ही पीटना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो सब इंसान यही समझ रहे थे कि हीरोज ने अपने वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से नहीं निभाई। इधर अवेंजर्स हेडक्वार्टर में इटर्नल और आयरन मैन मिलकर प्लान बना रहे होते हैं। सरसी ने कहा, बढ़िया, ये सही रहेगा। हम इरोस के इमोशन मैनिपुलेशन की पावर को एनहेंस करके सभी ह्यूमन से कनेक्ट कर देंगे, जिसके बाद सब अपने दिल में प्यार को ही सोचेंगे। उनके दिल से नफरत गायब हो चुकी होगी, तब हम सब इकट्ठा ही गॉड के टेस्ट में पास हो सकेंगे। जिस पर टोनी ने कहा, हाँ ये बात तो सही है, लेकिन क्या ये सच में काम करेगा? मैंने इसे पहले कभी ट्राई नहीं किया है। क्या एक साथ सब ह्यूमंस अपने मन में लव को फील कर सकते हैं? तभी इरोज ने कहा, मैंने आज तक अपनी पावर को इस लेवल पर यूज नहीं किया है, और क्या हो अगर मैं ही फेल हो गया, गॉड ने मुझे ही फेल कर दिया, तब तो मेरे साथ जो भी कनेक्टेड होगा वो सब भी कलेक्टिवली फेल हो जाएगा, जिसका परिणाम क्या होगा तुम ये बात जानते हो। सरसी ने कहा, इरोज, ये एक तरह का बड़ा सा जुआ है जिसमें सब कुछ दांव पर लगा है, हमें जीतना ही होगा। तो इरोज कहता है, मुझे ये ठीक नहीं लगता, अगर हमें टेस्ट किया ही जा रहा है तो हम सब अपना जजमेंट खुद से सुने, क्योंकि इस काम में रिस्क बहुत ज्यादा है। प्रोजेनरेटर इरोज की बातें सुनकर कहता है, इम्प्रेसिव, मैं इरोज की बात से सहमत हूँ। जिसके बाद सेलेस्टियल सबको जज करने लगता है, जिसमें न्यूयॉर्क की सड़कों पर पड़ा शराबी टॉम को थम्स डाउन मिलता है। ल्यूक केज, जो कि अब मेयर बन चुका था, उसे भी थम्स डाउन मिलता है। पर जब सेलेस्टियल की नजर थॉर पर पड़ती है, तब वो कुछ देर को रुक जाता है। सेलेस्टियल कहता है, थॉर एक अलग तरह का गॉड है, ये एक हैक्स से लड़ रहा है, पर मैं इसका पोटेंशियल जानता हूँ। अगर इसके सामने लाखों हैक्स भी आ जाएं, तो भी ये नहीं रुकेगा। पर जब मैंने इस पर ज्यादा ध्यान दिया, इसके हथौड़े पर कुछ लिखा हुआ है, और अगर थॉर अभी भी उसे उठाने को वर्दी है, तो मैं इसे कैसे थम्स डाउन दे सकता हूँ? इसका मतलब थॉर गॉड के जजमेंट में पास हुआ था। इरोस को एक बार फिर प्रोजेनरेटर देखता है, लेकिन उसे अपना कोई फैसला नहीं सुनाता। जिसके बाद प्रोजेनरेटर माइल्स मोरालिस के पास स्पाइडी के रूप में जाता है और उसे वो थम्स अप देता है, लेकिन माइल्स भी बदले में उसे थम्स अप दिखाता है। इधर इरोस यूएन में सभी लीडर को कन्विंस कर रहा होता है कि कैसे अपने ईगो और मतभेद के चलते ये दुनिया अनसर्टेनिटी की तरफ पहुंच गई। लीडर्स अपने स्वार्थ के लिए दूसरे देशों वहां के संसाधनों का शोषण करते हैं, जबकि उन्हें जरूरत थी आपस में मिलजुल के रहने की। इंसान बाकी के ग्रहों पर जीवन वहां पर रहने की कोशिशें कर रहा है, लेकिन जहां उनका जन्म हुआ वो जिस प्लेनेट के जाने जाएंगे उसको ये लोग पॉल्यूटेड कर रहे हैं। यहां इंसान के अलावा हर प्रजाति की आबादी घटती जा रही है। इंसानों ने अपनी सुविधा के लिए अर्थ को बर्बाद कर दिया है। इंसान ऐसा समझने लगे हैं कि ये अर्थ सिर्फ इंसानों के लिए है, ना कि बाकी प्रजाति के लिए। जिसके बाद इरोज वापस से एवेंजर के पास आ जाता है। आयरन मैन कहता है, वैसे स्पीच काफी अच्छी थी तुम्हारी इरोज। तो इरोज ने कहा, हमें अपने भाई ड्रूक का कुछ तो करना होगा, क्योंकि उसे भी खुद को प्रूफ करने के लिए डेविएशन जीन को जल्दी ही खत्म करना पड़ेगा। इस पर आयरन मैन ने कहा, उसने अपने इस काम को शुरू भी कर दिया है। हमें मार्स से कुछ सैटेलाइट इमेजेस मिली हैं, और देखो हमने वहां क्या देखा। यूरोनोस नाम के बंदे ने मार्स में अकेले ही पूरे पॉपुलेशन को निपटा दिया। उसने म्यूटेंट्स को गाजर मूली की तरह काट डाला, और जानते हो उसे ऐसा करने में कितना वक्त लगा? सिर्फ 1 घंटा। सोचो अगर ड्रेग ने उसे अर्थ पर खुला छोड़ दिया, तो वो 24 घंटे में क्या नहीं कर सकता है। जिस पर सरसी ने कहा, पर ड्रेग ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है। इसका साफ मतलब है ड्रेग अभी भी इतना डेस्परेट नहीं हुआ है कि वो यूरोनोस को खुला छोड़ दे, लेकिन हमें उसके लिए भी प्रिपेयर रहना होगा। तब टोनी ने कहा, मैंने उस पे काम भी शुरू कर दिया है।
यूरोनॉस ने यह सब अपने टेलीपोर्टेशन टेक की मदद से किया है, पर मैं जल्दी ही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लूंगा। इधर ड्रुइग यूरोनॉस के सामने डिस्कस कर रहा होता है कि कैसे गॉड के जजमेंट के सामने हर कोई डरा हुआ है। काउंसिल में अभी भी मेजोरिटी ड्रुइग की है, पर कहीं ना कहीं लोग सवाल तो उस पर उठाएंगे ही कि उसने डेविएशन को करेक्ट क्यों नहीं किया, और अगर इटर्नल्स भी गॉड के जजमेंट में फेल कर गए तो सजा सबको मिलेगी। हमें उन म्यूटेंट्स को खत्म करना ही होगा। हाँ, इसके लिए यूनिमाइंड को एक बार फिर से बनाना होगा, क्योंकि म्यूटेंट्स अभी सबसे ज्यादा वीक हैं। और अगर मैं ऐसा यूनिमाइंड बनाऊं जिसमें हैक्स भी शामिल हो जाएं, तो समझो म्यूटेंट्स के धज्जियां उड़ा सकते हैं। तो ये सुनकर यूरोनॉस ने कहा, और ऐसा करके तुम खुद को गॉड के सामने फेल होने से बचा लोगे, पर तुम्हारे पास उससे भी बेटर ऑप्शन मौजूद है। अगर तुम मुझे आजाद कर दो तो मैं यूनिमाइंड से भी ज्यादा अच्छे तरह से अपने काम को अंजाम दे सकता हूँ, जिस पर ड्रुइग मना कर देता है। पर ड्रुइग यूनिमाइंड को म्यूटेंट्स पर अनलीश कर देता है, जिसके बाद क्राको आइलैंड पर हम एक बड़े से यूनिमाइंड को देखते हैं, जिसमें कुछ मेंबर्स ही नहीं बल्कि सभी इटर्नल्स ज्वाइन कर चुके थे, यहाँ तक कि हैक्स भी। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि यूनिमाइंड कितना पावरफुल होगा। पर कुछ इटर्नल अभी भी म्यूटेंट के साइड में थे। हम देखते हैं सरसी फेस्टोस एज ए मकारी आ चुके होते हैं। सरसी आते ही कहती है, हमें भी यूनिमाइंड से जुड़ना होगा। फिर वो सब भी यूनिमाइंड से जुड़ जाते हैं। अंदर यूनिमाइंड से जुड़ते ही ड्रुइग ने कहा, तो तुम लोग को अकल आ ही गई, मैंने तो पहले ही कहा था हम इटर्नल्स को आपस में जुड़कर रहना चाहिए। सरसी ने कहा, ये तुम्हारी गलतफहमी है ड्रुइग, तुम्हें लगता है कि यूनिमाइंड का आइडिया तुम्हारा था, ये हमारा आइडिया था जो कि मैंने तुम्हारे दिमाग में डाला था। मैं अभी प्राइम इटर्नल की वोटिंग के लिए इलेक्शन करवाती हूँ। तो ड्रुइग ने कहा, उससे क्या ही फर्क पड़ेगा, काउंसिल में तो सबका फेवर मुझे ही है, मेरे ही पास सबसे ज्यादा मेजोरिटी है। जिस पर सरसी ने कहा, क्या सच में इकारिस गैलगमिश, क्या तुम लोग रेडी हो? वहीं हम देखते हैं मशीन में इकारिस और गैलगमिश इटर्नल की यूनिमाइंड से फायरवॉल को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, जिसके बाद बाकी के म्यूटेंट्स के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। और हम देखते हैं यूनिमाइंड का हिस्सा अब सभी म्यूटेंट्स बन चुके होते हैं। एमा ने आते ही कहा, सब प्राइम इटर्नल के लिए इरोस को चुनते हैं। गाइस, ये पहली बार हुआ था कि इटर्नल के यूनिमाइंड का हिस्सा कोई नॉन इटर्नल बना था। म्यूटेंट्स का नंबर इतना ज्यादा था कि इरोस का प्राइम इटर्नल बनना तय हो चुका था। ड्रुइग ये सब देखकर घबरा जाता है कि कैसे फायरवॉल को ब्रेक कर दिया गया। पर यूरोनॉस ड्रुइग से कहता है, मेरे बच्चे तुम अब हारने वाले हो, तुम्हारे पास अभी भी मौका है। तो ड्रुइग कहता है, नहीं, मैं तुम्हें खुला नहीं छोड़ सकता। जिस पर यूरोनॉस ने कहा, मेरी साइकिक पावर इतनी ज्यादा है कि मैं इन सबको अकेले ही निपटा सकता हूँ, तुम मुझे आजाद कर दो और बदले में खुद को बचा लो। जिस पर ड्रुइग को अपने सामने कोई ऑप्शन नहीं नजर आता और वो यूरोनॉस को आजाद कर देता है। अब यूरोनॉस आजाद हो चुका था। यूरोनॉस ने कहा, थैंक यू मेरे बच्चे, अब मैं वो कर सकता हूँ जो मैं लंबे समय से करना चाहता था। ड्रुइग ने कहा कि यूरोनॉस उसकी मदद करे। तो यूरोनॉस ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करता बच्चे, अगर तुम अपने काम में फेल ना हुए होते। इस काम को मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता है। मतलब यूरोनॉस ने ड्रुइग को भी धोखा दे दिया था। इधर इरोस को अब प्राइम इटर्नल चुन लिया गया था, पर उसके सामने प्रोजेनेटर के अलावा यूरोनॉस नाम की एक और मुसीबत सामने आ चुकी थी। यूरोनॉस के आजाद होते ही उसे पूरा एक्सेस खुद की आर्मरी का मिल चुका था। यूरोनॉस ने इस अर्थ के कई हिस्सों में अपनी मशीन्स डिप्लॉय कर रखी थीं, जिनका पता कोई भी नहीं जानता था। हजार साल से यूरोनॉस कैद में था, लेकिन उतने लंबे समय में भी इटर्नल्स ने यूरोनॉस की सिर्फ 2% आर्मरी को ही ढूंढ पाया था। पर अब यूरोनॉस को पूरा एक्सेस था खुद की आर्मरी का। उसने आते ही पूरी अर्थ पर हमला करना शुरू कर दिया। आसमान में लग रहा कि बॉम्ब्स और आग की बारिश हो रही हो। यूरोनॉस ऐसे वेपन्स को यूज कर रहा था जो कि किसी ने सोचे भी नहीं थे। पेरिस, ऑस्ट्रेलिया, ये सब तबाह होने लगे थे। ड्रुइग ये मंजर देखकर समझ चुका था कि उसके लालच ने उससे बहुत बड़ी गलती करवा दी थी। पर टोनी ने कहा, मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, मैं यूरोनॉस के टेलीपोर्टेशन टेक्नोलॉजी को हैक कर सकता हूँ, पर इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी।
और तभी हम क्या देखते हैं, मैग्नेटो अर्थ पर अपने जगमगाते दिल के साथ पहुंच चुका था। मैग्नेटो ने कहा, मेरे हर दुश्मन ने मुझसे यही कहा है कि मेरे सीने में दिल नहीं है, क्योंकि मेरे सीने में सिर्फ नफरत बसती है, और आज तुम मेरी उस नफरत का सामना करोगे यूरेनस। जिसके बाद मैग्नेटो अपनी लाइफ का सबसे बड़ा ब्लास्ट करता है, जिससे यूरेनस दूर जाकर गिरता है। तब यूरेनस ने कहा, मैं तुम्हारे इस अटैक से इम्प्रेस हुआ, लेकिन इतना मुझे रोकने के लिए काफ़ी नहीं था। तो मैग्नेटो ने कहा, पर इतना आयरन मैन के लिए काफ़ी था। तब टोनी ने कहा, अब सिस्टम मेरे कंट्रोल में है, काम बन गया मैग्नेटो। और जब तक यूरेनस को समझ पाता, टोनी यूरेनस की आर्मरी का फोकस यूरेनस पर कर देता है, जिससे उसकी ही आर्मरी का हमला सीधा यूरेनस पर जाता है। यूरेनस की हालत खस्ता हो चुकी थी, वो पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो चुका था। ये देखकर मैग्नेटो एक चैन की सांस लेता है कि उसने यूरेनस को हरा दिया था। मैग्नेटो का ये बलिदान देखकर प्रोजेनरेटर उससे जज करने आता है, पर मैग्नेटो उसे देखकर अपना मुंह फेर लेता है और हमेशा के लिए शांत हो जाता है। इधर इकारिस कहता है, हमने अधमरे यूरेनस को पकड़कर उसके सेल में वापस भेज दिया है, अब सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है। तो प्रोजेनरेटर इकारिस और सरसी को देखकर कहता है, मुझे इन दोनों को जज करना होगा, जिसमें इकारिस को थम्स अप लेकिन सरसी को थम्स डाउन मिलता है। तो टोनी कहता है, ये कैसा, सारा प्लान बनाना, इसको एग्जीक्यूट करना, ये सारा आइडिया तो सरसी का था, पर इसने तो उसे ही थम्स डाउन दे दिया है, ये कैसा इंसाफ है। जिस पर सरसी टोनी को बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। फिर इरोस प्रोजेनरेटर से बात करते हुए कहता है, हेलो बिग गाय, सर मैं इरोस अर्थ की तरफ से आपसे बात करना चाहता हूँ। जैसा कि आपने अभी देखा कि हमने क्या किया है, मैं मानता हूँ कि इंसानों से गलती होती है, पर वो उसे सुधार भी सकते हैं, हमें बस एक मौका चाहिए अपनी गलती को सुधारने का। फिर कुछ देर बाद प्रोजेनरेटर ने कहा, मैंने दुनिया से बहुत बात कर ली, मैंने बहुत कुछ देख लिया, मैंने बहुत कुछ जज कर लिया, और अब मैंने फैसला कर लिया है। तुम सब बहुत जी लिए हो, तुम्हें अगर 1 मिलियन साल और दिए जाएं, तो उसके बाद भी तुम लोग यही कहोगे कि तुम्हें एक और मौका चाहिए, लेकिन तुम लोग अपनी उन गलतियों को कुछ ही समय बाद भूल जाओगे। इसलिए मैं प्रोजेनरेटर ये ऐलान करता हूँ कि तुम सब मरोगे, जिसके बाद हर जगह तबाही होना शुरू हो जाती है, क्योंकि प्रोजेनरेटर ने पूरी अर्थ को थम्स डाउन दे दिया था। तो क्या ये अर्थ का लास्ट डे है? इस जजमेंट में सब फेल हुए, आगे इसका अंजाम क्या निकलेगा, ये जानने के लिए चैनल से जुड़े रहें, अपना सपोर्ट बनाए रखें। अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें। पिछले एपिसोड में हमने देखा यूरेनस ने ड्रिक को मैनिपुलेट करके खुद को जेल से बाहर निकलवा लिया, जिसके बाद शुरू हुआ मौत का तांडव। यूरेनस ने अपनी आर्मी का फुल यूज किया, लेकिन थैंक्स टू टोनी एंड मैग्नेटो, जिन्होंने अपने स्किल और पावर से यूरेनस की मशीन को उसी पर यूज किया, जिससे यूरेनस नाम की बला अब टल चुकी थी। लेकिन एक खतरा अभी भी हीरोज के सामने था, और वो है प्रोजेनरेटर द न्यू गॉड। अब उसने फैसला कर लिया कि अर्थ के ह्यूमंस बहुत जी लिए, उन्हें इतना समय मिला, पर तब भी वो उस गॉड की नजरों में नहीं सुधरे, वो बस उस गॉड के जजमेंट के सामने फेल हुए। तो क्या ये दुनिया का अंत होगा? आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। अब आगे गॉड ने फैसला सुना दिया था, जो कि हीरोज के पक्ष में बिल्कुल नहीं था। गॉड के विस्पर मात्र से दुनिया में तबाही शुरू हो चुकी थी। अर्थ पर डूम्सडे शुरू हो चुका था। जो लोग उस सेलेस्टियल के सबसे करीब थे, उन्हें तो मौका भी नहीं मिला कि वो अपनी जान बचा पाएं, और वो सब राख में बदल गए, जिसके बाद वो गॉड वहां से अर्थ के बाकी के हिस्सों में घूमने चला गया। हम देखते हैं हताश बैठे कैप्टन अमेरिका को, जिसके पास जेडा नाम के सिविलियन उसके लिए कॉफी बनाकर लाती है। जेडा ने कहा, सॉरी कैप्टन, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। तो जवाब में कैप्टन ने कहा, आई एम सॉरी टू, मुझे लगा मैं लोगों को इंस्पायर कर सकता हूँ, उनके दिल में उम्मीदें जगा सकता हूँ, पर मैं फेल हो गया, ये दुनिया अब गिर रही है। जिस पर जेडा ने कहा, एटलीस्ट आपने कोशिश तो की, इन इंसानों की तरह किसी और पे अपना दोष तो नहीं डाला। वैसे मेरा नाम जेडा है, तो कैप ने भी कहा, और मेरा नाम स्टीव है। कैप्टन आगे कहते हैं, जेडा तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है, तुम्हें उनके पास होना चाहिए, ना कि मेरे पास।
जिस पर जेडा ने कहा, मेरी एक बेटी थी और वो उस धमाके के सबसे करीब थी। तो स्टीव ने कहा, पर तुम्हें कोशिश तो करनी चाहिए, क्या पता वो अभी भी वहां पर हो और बच गई हो। जेडा ने कहा, देखा, आप अभी भी इंस्पायर करने की, उम्मीद देने की कोशिश कर रहे हैं। आप खुद को रोक ही नहीं सकते लोगों को उम्मीद देने से, ये एक अच्छी आदत है, लोगों में बुराई देखते हुए भी खुद को अच्छे रास्ते पर बनाए रखने की। अक्सर लोग दुनिया को गलत समझकर खुद भी गलत करना शुरू कर देते हैं, पर आप ऐसे नहीं करते हैं। तभी वहाँ नाइट क्रॉलर आकर कहता है, हेलो कैप्टन, आप मुझे ही देखो, लोग हमसे कितनी नफरत करते हैं लेकिन हम तब भी उनकी मदद करते हैं, तो आप क्या एक बार फिर से अपने काम को करना चाहोगे। तो कैप्टन ने भी कहा, हाँ, अब वैसे भी मुझे यहाँ पर बैठे काफी लंबा समय हो गया। तो लोग तुम्हें नाइट क्रॉलर कहते हैं ना, क्या तुम मुझे उस गॉड के सामने ले जा सकते हो, मुझे उससे 1-to-1 बात करनी है। फिर तभी नाइट क्रॉलर कैप्टन को लेकर गॉड की तरफ जाने लगता है। सेलेस्टियल कहता है, ये इंसान फिर से आ गए, एक बार और कोशिश करने। तब नाइट क्रॉलर ने कैप्टन से कहा कि प्रोफेसर ने हम लोगों को पूरी दुनिया से जोड़ दिया है, हम जो भी करेंगे, जो भी कहेंगे और जो भी देखेंगे वो अर्थ का हर एक इंसान देखेगा। कैप ने कहा, थैंक्स कर्ट। जिसके बाद कैप्टन सेलेस्टियल से बोलते हैं, मैं तुमसे पहले भी बहुत से टायरेंट्स के सामने खड़ा हो चुका हूँ, मैंने ऐसे बहुत से सन के तानाशाह देखे हैं जो स्ट्रांगली ये समझते हैं कि वो ही सही है। मैं 1940 में हिटलर के सामने भी मौजूद था, मैं थैनोस के सामने भी खड़ा था, जो ये समझता था कि दुनिया से आधी पॉपुलेशन मिटा देना ही एकमात्र सॉल्यूशन है, और आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ क्योंकि तुम ये समझते हो कि कुछ इंसानों की वजह से तुम कलेक्टिवली पूरी अर्थ को जीने लायक नहीं मानते हो। ये तुम्हारी सोच हो सकती है जो बस या तो अच्छाई देखती है या फिर बुराई, लेकिन ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जरूरत है तो बस उसे बैलेंस में बनाए रखने की। हीरोइज्म में कोई सुपर पावर या स्ट्रेंथ का होना नहीं होता है, हीरोइज्म तो वो है जिसमें इंसान गिवअप करना नहीं छोड़ता। आज मुझे पूरी दुनिया सुन रही है, मैं उनसे यही कहूंगा कि वो सब भी अवेंजर हैं, इसलिए असेंबल हो और अवेंज लो। कुछ देर को तो माहौल शांत हो गया, लेकिन तभी सेलेस्टियल ने अपनी पावर से कैप्टन और नाइट क्रॉलर को वहीं पर मार दिया। कैप्टन अब मर चुके थे, उनकी बॉडी में बचा था तो सिर्फ उनकी हड्डियों का कंकाल। पर इधर क्राकोवा पर नाइट क्रॉलर फिर से जिंदा हो जाता है। वो कहता है, क्या तुमने सुना कैप्टन ने क्या कहा, हम सबको जल्दी ही कुछ करना होगा। जिस पर चार्ल्स कहते हैं, तो हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब हमें करना क्या है। जिस पर साइक्लॉप्स कहता है, हमें वही करना होगा जो हमने पहले करने की सोची थी, हमें उस नॉट को तोड़ना ही होगा। जिस पर टोनी ने कहा, तुम्हें पता नहीं कि अभी जब हमने उस नॉट को तोड़ने का प्लान बनाया था तो उसने हमारे दिमाग के साथ क्या किया था, क्या पता ये भी किसी तरह का टेस्ट हो। जिस पर जेन कहती है, मैं ओमेगा लेवल की साइकिक हूँ, पिछली बार मैं अलर्ट नहीं थी पर इस बार मैं अलर्ट मोड पर हूँ, ये जो भी कुछ हो रहा है ये कोई टेस्ट नहीं है, ये हकीकत में हो रहा है, ये दुनिया जल रही है। पर इटर्नल, तुम लोग मुझे ये बताओ कि तुम लोग इस सब में क्या करने वाले हो। जिस पर इरोज कहता है, देखो, हम लोग अपने प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कुछ कर नहीं सकते, पर जैसा कि फायरबॉल अब ब्रेक हो चुकी है तो अब हम लोग भी हमारे गॉड की पूजा तो कर ही सकते हैं, उनको 2-4 मुक्के तो जड़ ही सकते हैं। तब हम देखते हैं अवेंजर्स, म्यूटेंट्स, इटर्नल सब एक साथ सेलेस्टियल पर अटैक कर देते हैं। पर सवाल अभी भी यही है कि क्या ये हीरोज मिलकर भी सेलेस्टियल को हरा पाएंगे, क्या वो उसको झुका पाएंगे या उसका मन बदल पाएंगे। जिस पर प्रोजेनेटर कहता है, इन लोगों को लगता है कि ये सब मिलकर मुझे रोक सकते हैं, हालांकि ये हैक्स जिन्हें इसलिए बनाया गया ताकि मुझ जैसे पावर से रेजिस्ट किया जा सके, पर ये सब बस मेरे रास्ते में आने वाली थोड़ी सी अड़चन जैसे हैं। अभी एक हैमर आना तो बाकी है, एक ऐसा हैमर जो कि मुझे तब दिया जाएगा जब मेरा ध्यान भटका होगा। और तभी हम देखते हैं हमारे हैवी हिटर जैसे इकारिस, सर्सी, कैप्टन मार्वल, नोमोर, ये सब अपनी फुल पावर के साथ सेलेस्टियल को हिट करते हैं। प्रोजेनेटर कहता है, ये वो हथौड़ा नहीं था, हालांकि इसने मुझे नुकसान तो पहुंचाया, पर मैं बात कर रहा था उसकी जिसकी नसों में बिजली दौड़ती है, मैं बात कर रहा था उसकी जिसे लोग थंडर गॉड कहते हैं। और तभी थॉर अपनी थंडर के साथ सेलेस्टियल पर मेन्यू को दे मारता है। सेलेस्टियल हमें बताता है,
मैं मानता हूँ कि थॉर काफी नेक दिल गॉड है, पर उसे भी मेरे जजमेंट के आगे झुकना होगा। और इतना कहते ही सेलेस्टियल थॉर को जला देता है। वहां थॉर ही नहीं बल्कि इकरिस, नेमर और बाकी के हीरोज भी जलने लगते हैं। प्रोजेनेटर कहता है, मैंने साइक्लॉप्स को उसी की पावर से मार दिया, उसके सर को वल्नरेबल बनाकर। कैप्टन मार्वल कोई एक इंसान नहीं बल्कि एक टाइटल है। इससे पहले वाला एक आदमी था जो कि कैंसर से मरा था, और मैंने कैरल डेनवर्स को भी कैंसर से मार दिया और इस तरह वो भी मारी गई। मैंने लोगों को क्रिएटिविटी के साथ मारा क्योंकि मैं एक गॉड हूँ और मुझे ऐसा करना ही था। ये सब देखकर आयरन मैन चिल्लाता है, पीछे भागो, हमें ये जंग छोड़नी होगी। तब ये देखकर सेलेस्टियल कहता है, और इस तरह ये हीरोज मौत के आगे डर गए और अब भाग रहे हैं, लेकिन ये भी वक्त आने पर मारे जाएंगे। प्रोजेनेटर की पावर इतनी ज्यादा थी कि समंदर उबलना शुरू हो चुके थे। एक स्पेसशिप जिसमें बड़े बड़े बिलियनियर बैठे थे, वो ये प्लेनेट छोड़कर किसी और प्लेनेट की तरफ निकल लिए। उन्हें लगा कि इस तरह वो बच जाएंगे, पर प्रोजेनेटर के एक ही इशारे से वो शिप आसमान में ही फट जाती है, क्योंकि आज जजमेंट डे है और सबको ये फैसला स्वीकारना होगा कि अब यही दुनिया का अंत है। मैं इटर्नल्स को भी नहीं बख्शूंगा क्योंकि वो अपने काम में सफल नहीं हुए। मैं म्यूटेंट्स को दुनिया से मिलने वाली नफरत को ख़त्म कर दूंगा, इन इंसानों को म्यूटेंट्स से मिलने वाली नफरत से। ये एक साथ जी सकते थे और बेहतर दुनिया बना सकते थे, लेकिन इन्होंने चुनी अशांति। इधर अवेंजर्स मैंशन में बचे हुए हीरोज पहुँच चुके थे। वो कहते हैं, डेस्टिनी सही थी कि हमें अगर सेलेस्टियल को हराना है तो एक साथ हमला नहीं करना होगा, हमें कुछ लोगों को बचाकर रखना ही होगा ताकि सेलेस्टियल को ऐसा लगे कि हमने इकट्ठा हमला किया और हम इकट्ठे ही मारे गए। तब फेस्टोस दुखी मन से कहता है, लेकिन हमारे कितने लोग मारे गए, मुझे थॉर के लिए बहुत बुरा लग रहा है। जिसके बाद सब प्लान बनाते हैं कि वो चुपके से जैक ऑफ नाइफ्स के कैमोफ्लॉज वाली पावर की मदद से सेलेस्टियल के नॉड में घुसकर उसे तबाह कर देंगे और उस गॉड को बंद कर देंगे। और जैसे ही जैक की मदद से वो लोग सेलेस्टियल के पास पहुंचते हैं, तब जैक ने कहा, गाइस इसने हमें सेंस कर लिया, हम लोग इससे नहीं छिप सकते, पर मैं तुम सबको कुछ टाइम तो दे सकता हूँ ताकि तुम लोगों में से जो भी बच जाए वो जाकर अपने मिशन को अंजाम दे सके। तब जैक ऑफ नाइव्स प्रोजेनेटर से कहता है, ओए बड़े मियाँ, उस झंडे वाले आदमी ने क्या कहा था, हम सब अवेंजर हैं। और मैं तुम्हें एक और बात बताऊं भूतनी के, हम सब कितने भी बुरे क्यों ना हो पर हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जिसके बाद प्रोजेनेटर का एक वार और जैक ऑफ नाइव्स खत्म हो जाता है। इधर बेस पर म्यूटेंट्स को वापस से जिंदा करने वाले एक्स काफी कम बचे थे, तो एक्सोडस कहता है, हमें इनका इस्तेमाल सोच समझकर ही करना होगा ताकि हम उसी म्यूटेंट को वापस लाएं जिसकी हमें जरूरत है, जो हमारे सबसे ज्यादा काम आ सकता है। हमें एक लीडर की इस वक्त जरूरत है, मैं अभी अभी वोट करता हूँ साइक्लॉप्स के लिए और उसे वापस से बुलाया जाए। तो नाइट क्रॉलर आगे बढ़ते हुए कहता है, नहीं, मैं जानता हूँ हमें एक बेहतर लीडर चाहिए और बेशक ही साइक्लॉप्स अच्छा लीडर है, पर इस समय हमें उसकी जरूरत नहीं, हमें कोई ऐसा चाहिए जो उससे भी बेस्ट हो, हमें कोई ऐसा चाहिए जो किसी एक का नहीं बल्कि सबका सोचता हो। तब एक्सोडस गुस्साने लगता है कि ये तो म्यूटेंट्स के कस्टम के खिलाफ है, हम किसी और को जिंदा नहीं कर सकते हैं। इस पर नाइट क्रॉलर कहता है, मैं फैसला कर चुका हूँ। और तुमने क्या कहा कि ये कस्टम के खिलाफ है, पर सच तो ये है कि ये हमारे ईगो के खिलाफ है और हमें कभी कभी अपने ईगो से उठकर सोचना चाहिए। जिसके बाद नाइट क्रॉलर किसी को जिंदा करता है और उस एक्स से कोई म्यूटेंट नहीं बल्कि कैप्टन बाहर निकलते हैं। वो कैप्टन अमेरिका जिन्हें ह्यूमंस ही नहीं बल्कि म्यूटेंट्स भी अच्छा लीडर मानते हैं, एक बेहतर स्ट्रेटेजिस्ट मानते हैं। तो क्या कैप्टन इस दुनिया को बचाएंगे, ये तो हमें 18 अक्टूबर के आसपास ही पता चलेगा क्योंकि अभी इसका फाइनल इशू आया नहीं है। ये सीरीज ऑनगोइंग सीरीज है जिसका फाइनल पार्ट आना बाकी है, वो जैसे ही आएगा मैं तुरंत ही उस पार्ट को अपलोड कर दूंगा जिसमें हम जानेंगे कि स्टोरी का अंत कैसे होगा, प्रोजेनेटर को हराया कैसे जाएगा। पर आप चिंता ना करें, कल से हम एक नई स्टोरी को शुरू करेंगे जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। तो अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोज़ एंजॉय करें और खुश रहें।
ड्रेक के घमंड और इनसिक्योरिटी ने म्यूटेंट्स पर जंग छेड़ दी, जिस वजह से आयरन मैन ने कुछ ऐसा प्लान किया जिसके हिसाब से उसे जीत जाना था। इसलिए आयरन मैन ने एक गॉड बनाया, उसने एक सेलेस्टियल बनाया ताकि वो इसकी मदद से इस जंग को रोक सके। पर हुआ एकदम उल्टा। इटर्नल वर्सेस म्यूटेंट की जंग में उस गॉड ने पूरी अर्थ को जजमेंट सुना दी, जिसमें उसने अर्थ को थम्स डाउन दिया, जिसका मतलब था सबका खात्मा। पर फिर भी हीरोज ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जिसकी कीमत बहुत भारी थी, लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई चारा भी नहीं था। इसलिए हीरोज प्रोजेनेटर द सेलेस्टियल की बॉडी में जाकर उसके स्पार्क को फ्यूज करने वाले थे, क्योंकि आखिरकार इस सेलेस्टियल को बनाया तो आयरन मैन ने ही था। तो क्या हीरोज ऐसा कर पाएंगे या नहीं, यही सवाल हम आज के वीडियो में जानेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप में से कोई भी व्यूअर इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो उसे ये स्टोरी अच्छे से समझ में नहीं आएगी, जिसके लिए उसे इस स्टोरी को बेहतर समझने के लिए एपिसोड 1 से शुरुआत करनी होगी, जिसकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर से मिल जाएगी। तो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। प्रोजेनेटर ने फैसला सुना दिया था, एक ऐसा गॉड जो कि बाकी के सेलेस्टियल से काफी स्ट्रॉन्ग था, और इसे खुद आयरन मैन ने बनाया था। पर आज इसने उस इंसानों और पूरी पृथ्वी को बता दिया कि उनके पास बस कुछ ही समय बचा है, क्योंकि वो सब अब मरने वाले हैं। जैक ऑफ नाइफ्स की कुर्बानी जाया नहीं गई थी, क्योंकि कुछ हीरोज सेलेस्टियल के अंदर जाने में सफल हो गए थे। टोनी ने कहा, ओके, तो मुझे यहाँ तुम लोगों के बीच में कुछ अजीब फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ मैं एक अकेला एवेंजर बचा हूँ। जिस पर सरसी कहती है, टोनी तुम ये भूल रहे हो कि एक टाइम पर मैं भी एवेंजर रह चुकी हूँ। तो लोगन भी कहता है, हे बब, और मैं भी तो एवेंजर रह चुका हूँ। तभी सिनिस्टर कहता है, वैसे अगर तुम लोग चाहो तो मुझे भी एवेंजर की टीम में रिक्रूट कर सकते हो। वैसे भी थॉर अब मर चुका है, पर उसके क्लोजेट में उसके कुछ कॉस्ट्यूम्स तो बची होंगी। मैं उसे पहनकर अपने लुक को थोड़ा सा और चेंज करना चाहता हूँ। जिस पर आयरन मैन गुस्से में कहता है, इसने थॉर को मार डाला, कैरल को मार डाला, कैप्टन से भी कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, और तुम इन सब बातों पर मजाक बना रहे हो। यह ना जाने कितने लोगों की जान दांव पर लगी है। जिस पर सिनिस्टर कहता है, तो जैसे हमने अपने म्यूटेंट्स भाइयों को नहीं खोया, यहाँ नुकसान सबका हुआ है। और किसकी वजह से? तुम्हारी और मेरी वजह से। ये सेलेस्टियल हम दोनों ने मिलकर बनाया है, और ये तुम्हारे ही नर्वस सिस्टम पर वर्क करता है। इसे तुमने बनाया है, लेकिन इस मुसीबत से निपटना है तो हम सबको एक साथ आना होगा। तब टोनी कहता है, हाँ, मैं तुम्हारी इस बात से एग्री हूँ। तब हेजक कहती है, गाइज, लेकिन एक प्रॉब्लम है। हमारा ये गॉड अभी अभी नया बना है, इसलिए ये अपनी पावर से फुल्ली भरा हुआ है, इसलिए हम इसे नेविगेट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम सब भटक गए हैं। जिस पर लोगन कहता है, हमें इधर चलना चाहिए, क्योंकि मुझे इधर से कुछ स्मेल आ रही है। वैसे भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ आने के बाद सर कुछ भारी हो रहा है। मेरा मन कर रहा है कि मैं इसे अंदर से पूरा चीर फाड़ डालूं। जिस पर टोनी अपने सामने कुछ देखकर कहता है, लोगन, मुझे लगता है कि तुम्हारी चीर फाड़ वाली बात का टाइम आ चुका है, क्योंकि उनके सामने कुछ अजीब से क्रिएचर आ जाते हैं। तो लोगन कहता है, धत तेरी की, आखिर ये क्या चीज है? जिस पर सिनिस्टर कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि ये क्या हो सकता है? हम एक बॉडी के अंदर हैं, और हर बॉडी में बीमारी से लड़ने के लिए एक एंटीबॉडी होती ही है, और इस बॉडी के लिए बीमारी हम है। पर तुम चिंता ना करो डियर, क्योंकि सिनिस्टर इज हियर। मैंने कुछ चुटपुट बॉम्ब्स बनाए हैं। सिनिस्टर अपने बॉम्ब्स को उन पर ब्लास्ट कर देता है, पर उससे सारे एंटीबॉडी नहीं मरते, जिसके बाद सभी हीरोज उन्हें रोकने लगते हैं। ये एक सेलेस्टियल की एंटीबॉडीज हैं, जिन्हें आसानी से नहीं रोका जा सकता था। इसलिए मक्कारी उनसे कहती है, तुम सभी लोग मेरे पीछे आओ। जिसके बाद सभी हीरोज मक्कारी के बताए रास्ते की तरफ जाने लगते हैं। एजक कहती है, सब लोग संभल कर रहना, क्योंकि हमारा जरा सा भी गलत कदम हमारे लिए ट्रैप साबित हो सकता है। तभी कुछ हेक्सागोनल शेप की डिस्क आयरन मैन से चिपकने लगती हैं। सब हीरोज आयरन मैन के ऊपर से उनको निकालने की कोशिश करते हैं, पर तभी आयरन मैन की आंखों के सामने अंधेरा हो जाता है। और जब टोनी की आंख खुलती है, तब वो खुद को उस गुफा में पाता है जहां टोनी पहली बार आयरन मैन बना था। टोनी कहता है, येंसन, क्या ये तुम हो? ओ गॉड, तुम्हें तो गोली लगी है। पर तभी टोनी का पहला आर्मर उसके पास आकर कहता है, ये वो पहला शख्स है जो कि तुम्हारे लिए मरा है। इसने और मैंने मिलकर तुम्हारी लाइफ को बचाया था, तो क्या हमारा ये सैक्रिफाइस वर्थ इट रहा?
जिस पर टोनी को कुछ समझ नहीं आता और वो उस पर अपने रिपल्सर ब्लास्ट से हमला करता है। पर तभी वहां पर टोनी के बनाए सभी आर्मर्स आ जाते हैं। वो सब कहते हैं टोनी उन्हें बताए कि टोनी ने आज तक जितने भी आर्मर बनाए इस दुनिया को सेव करने के नाम पर, क्या वो सब वर्थ इट थे? क्या उसने उन आर्मर को बनाकर ठीक किया? क्या टोनी की वजह से बाकी के आर्मर्स नहीं बने जिनसे क्राइम कमिट हुए? इस सब बोलते हुए वो सब आर्मर्स टोनी को पूरा दबा देते हैं। टोनी एक बार फिर से उठता है और इस बार वो क्या देखता है, उसके सामने कैप्टन अमेरिका की डेड बॉडी रखी होती है। टोनी को ये पल याद आ रहा था, ये तब की बात है जब सिविल वॉर के इवेंट के टाइम पर कैप्टन मर जाते हैं। टोनी दुखी था कि तभी कैप्टन की बॉडी उठती है और कहती है, तुम्हारी वजह से मैं पहले भी एक बार मर चुका हूँ और मैं आज भी तुम्हारी ही वजह से मरूंगा। तुम वीक हो टोनी, तुम ये सोचते हो कि तुम सब कुछ ठीक कर सकते हो, तुम्हारे डिसीजंस कभी गलत नहीं हो सकते हैं, पर तुम गलत हो टोनी। और तभी टोनी के पीछे से थंडर गरजती है। इस बार थॉर टोनी के सामने था। उसने कहा, टोनी ने इस गॉड को बनाया। टोनी ने एक बार ऐसी भी कोशिश रीड के साथ मिलकर की थी जब उसने थॉर के एक बाल से थॉर का क्लोन रैग्नर रॉक बनाया था। तब भी टोनी की वजह से लोगों की जाने गई थी। तुम खुद को गॉड समझते हो? तुम समझते हो कि तुम साइंस के नाम पर जो मन चाहो वो बना सकते हो और लोग तुम्हें भगवान मानेंगे? नहीं टोनी, नहीं, तुम्हें ये चीजें समझनी होंगी कि तुम्हें किन चीजों को नहीं बनाना है और किन चीजों को बनाना है। तुम सब कुछ नहीं बना सकते हो, आज ये दुनिया उसी की वजह से सरवाइव कर रही है। तभी थॉर टोनी पर हमला कर देता है। टोनी कहता है, मैं समझ गया, आई नो हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, और वो मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ। तभी टोनी को बाकी के हीरोज आकर उसे बताने लगते हैं कि टोनी ने क्या क्या गलतियां की हैं, जिन्हें टोनी ने कभी एक्सेप्ट भी नहीं किया, बल्कि टोनी ने उन्हें ही गलत साबित किया, क्योंकि टोनी हमेशा अपनी ही नजरों में सही था। वो अल्ट्रॉन के बारे में सही था, वो मैंड्रिक के बारे में सही था, वो इस सेलेस्टियल के बारे में सही था। ये सब चीजें टोनी के दिमाग को चकरा चुकी थी, उसका सर फटा जा रहा था। फिर टोनी को वो दिखता है जिसे टोनी कभी नहीं देखना चाहता था। टोनी कहता है, नो, तुम ये नहीं दिखा सकते, प्लीज कोई से रोको। ये टोनी की लाइफ का वो हिस्सा था जब टोनी अनाथ हो गया था। तभी वो कार जाकर पेड़ से ठीक वैसे टकरा जाती है जैसे उसके पेरेंट्स की डेथ हुई थी। इन सब ने टोनी को अंदर से तोड़ दिया था। तब टोनी कहता है, मैं हमेशा से यही समझता था कि उसके पेरेंट्स को असैसिनेट किया गया है, पर ये तो एक एक्सीडेंट था। लोग अपने पेरेंट्स की डेथ पर कहानी बनाते हैं, वो उसका सहारा लेकर सिंपैथी लेते हैं, और एक अनाथ को वो मिलती भी है, पर चीजें हमेशा ही होती हैं, क्योंकि उनका भी कोई मकसद होता है। मशीन को इंसानों ने बनाया है और मशीन बिगड़ती भी है। तभी टोनी उठता है और उस कार के पुर्जे को जोड़कर उनके साथ कुछ करने लगता है। टोनी कहता है, मैंने इसलिए मशीनें बनाई ताकि फिर कभी कोई कार एक्सीडेंट में ना मरे, कोई भी बच्चा अनाथ ना हो। हाँ, मुझसे कुछ चीजें गलत जरूर हुई हैं, पर मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था। हाँ, मैंने उस डिफरेंस को नहीं समझा, मैंने लिमिट्स को नहीं समझा कि चीजें होती हैं। मशीन्स हर प्रॉब्लम का हल नहीं होता है। मैं लोगों की जिंदगी बचाना चाहता था, पर ऐसा नहीं हुआ। तभी एक हाथ टोनी को छूता है। टोनी पलटता है तो वो अपने सामने हार्वर्ड स्टार को देखता है। हार्वर्ड कहते हैं, बेटे सबको एक ना एक दिन मरना ही है, तुम सबको तो नहीं बचा सकते। मैं जानता हूँ कि मैं एक बेकार फादर था, मैं तुम्हें वो प्यार नहीं दे पाया जो एक बच्चे को उसके पिता से मिलना चाहिए था, पर मैंने हमेशा से तुम्हें वो सब कुछ देने की कोशिश की जो तुम्हारे काम आ सके। तुम मेरी वो मशीन हो जो कई बार टूटी है, पर तुमने हार नहीं मानी। तुम हर बार उठते हो और पहले से ज्यादा स्ट्रांग होकर उठते हो। मैंने बहुत से इन्वेंशंस किए, पर तुम मेरे सबसे अच्छा इन्वेंशन हो मेरे बच्चे, इसलिए तुम मेरी नजरों में पास होते हो। ये सुनकर टोनी की आंख में आंसू आ जाते हैं और तभी टोनी डैड डैड कहते हुए उठ जाता है। सब हैरान थे कि टोनी को हुआ क्या था, पर आइज़क कहती है, टोनी क्या तुम रो रहे हो? टोनी कहता है, नहीं, हाँ मैं रो रहा हूँ, लेकिन मैं खुश हूँ, मैंने मेरे डैड को देखा, उन्होंने मुझे पास कर दिया। तब सिनिस्टर कहता है, एलो यहाँ दुनिया दांव पर लगी है और मेरा टोनी डैडी गेम खेल रहा है। जिस पर टोनी अपना हेलमेट पहनते हुए कहता है, वो मेरे डैड नहीं थे, मेरे डैड के रूप में वो सेलेस्टियल था, उसने मुझे जज किया जिसमें मैं पास हुआ,
इसका मतलब वो सेलेस्टियल अभी भी जज कर रहा है। उसने भले ही पूरी अर्थ को जजमेंट सुना दी है, पर वो अभी भी लोगों को जज कर रहा है। वो हम सबको जज कर रहा है, इसलिए उम्मीद तो हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आज टोनी ने बहुत कुछ फेस किया था। उसने हर वो फैसला देखा जिसमें लोगों ने टोनी पर सवाल उठाए थे, क्योंकि उस वक्त लोगों के हिसाब से टोनी गलत था। पर जब आज सेलेस्टियल ने टोनी को उन सब फैसलों पर परखा, तब वो उसकी नज़र में सही था। इसका मतलब टोनी हमेशा से ही सही था। और आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोज़ इन्जॉय करें और खुश रहें। आज की कहानी एक टाई इन है, जो कि इस इवेंट के उस समय की है जब कैप्टन अमेरिका मरे थे और सब हीरोज ने फैसला किया कि वो इस प्रोजेनेटर पर डायरेक्ट हमला करेंगे। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमारी कहानी आज मशीन शुरू करती है, यानी कि अर्थ। वो कहती है, तो जजमेंट डे शुरू हो चुका है। इस सेलेस्टियल ने हमें थम्स डाउन किया है। इसका मतलब ना तो डेथ टू द म्यूटेंट है, ना ही डेथ टू द इटर्नल। इसका मतलब है डेथ टू द एवरीवन। ये सबका अंत है। और अब तो ईरोस प्राइम इटर्नल बन चुका है। उसे कुछ रूढ़िवादी लोगों के सामने अपने ऐसे फैसले रखने हैं जिनके लिए उन्हें मनाना बहुत सिरदर्द भरा काम होने वाला है। ईरोस जूरस, सरसी और इकारिस से मिलकर बात कर रहा होता है। ईरोस ने कहा, हमने प्यार से इन सब चीजों को रोकने की बहुत कोशिश कर ली, पर अब बारी है कि इसके अपोजिट कुछ करने की। ह्यूमैनिटी के लिए हमने इस प्रोजेनेटर को डिस्ट्रॉय करना ही होगा। जिस पर जूरस कहता है, हम ये नहीं कर सकते हैं। तब ईरोस कहता है, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें अटैक तो करना ही होगा। आखिर ये सब कहीं ना कहीं हमारे ही लोगों की वजह से शुरू हुआ है, हमें भी इस जंग में हिस्सा लेना होगा। जिस पर जूरस कहता है, लगता तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो बच्चे, हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल प्रोटेक्ट द सेलेस्टियल हमें ऐसा करने नहीं देगा। हम अगर चाहें तो सेलेस्टियल की तरफ एक पत्थर भी नहीं फेंक सकते हैं जो इस सेलेस्टियल को हर्ट कर सके। जिस पर ईरोस कहता है, ओह जूरस, जरा अपने दिमाग को खोलने की कोशिश करो। जिस पर जूरस कहता है, तुम ऐसे मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते हो। तो ईरोस कहता है, मैं इंसल्ट नहीं कर रहा, हम सब जानते हैं कि हमारे माइंड किसी कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह फिक्स हैं, कि हमें तीनों प्रिंसिपल मानने ही होंगे। पर ये इंसान बहुत कुछ कर सकते हैं, इनके लिए हमारे माइंड किसी गेम के प्रोग्राम की तरह हैं। और म्यूटेंट्स में कुछ ऐसे टेलीपैथ्स मौजूद हैं जो हमारे दिमाग के उस हिस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। पहले ऐसा करना मुश्किल होता, पर अब जब से फायरवॉल गिर चुकी है तो अब ऐसा किया जा सकता है। जिस पर जूरस कहता है, हाँ ऐसा तो हो सकता है। तो एमा कहती है, ये फैसला आप लोग को जल्दी ही लेना होगा, क्योंकि समय कम है। या तो हम सब साथ में लड़ सकते हैं, या फिर अलग अलग होकर गिर सकते हैं। इधर प्रोजेनेटर से हैक्स मुकाबला कर रहे थे, वहीं साइन प्रोजेनेटर के हमले से डाउन हो चुकी थी। तो गाइज यही वजह थी कि अब इटर्नल्स भी सेलेस्टियल के अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं। सरसी प्रोजेनेटर पर हमला करते हुए बोलती है, यह काम नहीं कर रहा है, हम इसे कंबाइंड फोर्सेस के साथ डायरेक्टली नहीं हरा सकते हैं, हमें कुछ और प्लान करना होगा। तभी इकारिस सरसी को वहां से बचाते हुए ले जाता है। सरसी को सेफली छोड़ने के बाद इकारिस प्रोजेनेटर की तरफ बढ़ने लगता है, तो सरसी इकारिस को रोकती है। लेकिन इकारिस कहता है, बस अब और नहीं, हम इस सेलेस्टियल के ऑर्डर मानकर थक चुके हैं, मैंने सारी जिंदगी एक अंधेरे में गुजारी है, पर अब ऐसा नहीं होगा, मैं अपने लिए पीस चाहता हूँ। इतना कहते ही इकारिस प्रोजेनेटर पर अपनी लेजर बीम से हमला करने लगता है। इकारिस की बीम ने गॉड के आर्मर को डैमेज कर दिया था। और तभी प्रोजेनेटर के एक हाथ का इशारा और इकारिस के बदन से उसका मांस उधड़ना शुरू हो जाता है। इकारिस का बदन जल रहा था और देखते ही देखते वो पूरी तरह से मिट जाता है। सरसी यह नज़ारा देखकर टोनी से कहती है, टोनी हम सबको रिट्रीट करना होगा, सबको यहाँ से भगाओ, हम इसे अभी नहीं हरा सकते हैं। लेकिन इकारिस ने मरते हुए प्रोजेनेटर के सामने एक रिक्वेस्ट रखी थी, और वो थी डेड टू द इटर्नल्स। और आज तो जैसे गॉड सुनने के मूड में था, प्रोजेनेटर ने इटर्नल के रिजरेक्शन चैम्बर को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसका मतलब इकारिस अब कभी वापस नहीं आएगा। अब जो भी इटर्नल मरेगा वो कभी भी वापस नहीं आ सकता था। वहीं प्रोजेनेटर भी मशीन से कहता है, मशीन मैंने जजमेंट सुना दिया है, इसलिए तुमको सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड को ऑन करना होगा ताकि तुम खुद को ख़त्म कर सको।
जिस पर अर्थ कहती है सॉरी मैं ऐसा नहीं करूंगी। जिसके बाद सेलेस्टियल और मशीन की बात होने लगती है। सेलेस्टियल ने कहा तुम मेरी बनाई हुई क्रिएशन हो इसलिए तुम मुझे मना नहीं कर सकती। तो अर्थ कहती है फर्स्ट प्रिंसिपल यानी कि प्रोटेक्ट द सेलेस्टियल और सेकंड प्रिंसिपल यानी कि प्रोटेक्ट द मशीन, इनमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि मुझे हर हालत में सेलेस्टियल के ऑर्डर्स को ओबे करना है और तुम अपने सेकंड प्रिंसिपल के ही खिलाफ हो। इकरिस सही था, हमें समझने पर फोकस करना चाहिए ना कि हर एक बात को सुनते ही उसे कर देने पर। जिस पर सेलेस्टियल कहता है तुम मुझे ज्यादा देर तक रेजिस्ट नहीं कर पाओगी। जिस पर अर्थ ने कहा हाँ मैं ये बात जानती हूँ कि मैं तुम्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगी पर तुम कर भी क्या सकते हो, मे भी मेरे ऐसे करने से कुछ तो फर्क पड़े, तुम वैसे भी मुझे डिस्ट्रॉय कर ही दोगे, इससे ज्यादा तुम कर भी क्या लोगे, तो कम ऑन ब्रो आओ और मुझे डिस्ट्रॉय कर दो। फिर अर्थ बताती है मेरे ऊपर इंसान सालों से रह रहे हैं तो उनसे मैंने इस तरह की ट्रैश टॉक तो करना सीख ही लिया है, हालांकि मैं जानती हूँ कि इसके बाद क्या होगा, मैं उसकी उंगलियों तले मसल दी जाऊंगी, हो सकता है मुझे दर्द हो पर देखो जब गॉड ने अपना स्टाफ मेरे अंदर डाला तो मुझे कुछ भी नहीं फील हुआ और दर्द वो तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये सब अर्थ कैजुअली कह रहे थे क्योंकि हम देख ही सकते हैं गॉड के ऐसा करने के बाद अर्थ किस तरह से चीख रही होगी। वहीं अवेंजर मेंशन में टोनी के साथ बाकी के हीरोज प्लान बना रहे थे कि एक टीम टोनी के साथ जाकर सेलेस्टियल के अंदर के नॉट को ब्लास्ट कर देगी और कैप्टन तब तक बाहर जितने लोगों को सेव कर सकेंगे वो करेंगे। हीरोज और नाइट क्रॉलर कैप्टन से कह रहे होते हैं कि उन्हें लोगों को बंकर तक सेव पहुंचाने के लिए टाइम देना होगा। तभी फेस्टोस वहां पर आता है, उसके फेस पर टेंशन साफ नजर आ रही थी। नाइट क्रॉलर ने कहा फेस्टोस अब तुम कौन सी बुरी खबर लेकर यहाँ आए हो। जिस पर फेस्टोस ने कहा गॉड ने मशीन को सेल्फ डिस्ट्रक्ट का ऑर्डर दे दिया है पर मशीन ने उसे कुछ पल के लिए मानने से रोक दिया लेकिन वो ऐसा ज्यादा देर तक नहीं कर पाएगी, हमारे पास समय अब और भी कम बचा है। जिस पर नाइट क्रॉलर कहता है मैं तुम्हें जितना जानता हूँ फेस्टोस उस हिसाब से तुम काफी प्रैक्टिकल इंसान हो, अगर तुम कोई मुसीबत बताते हो तो उसके साथ साथ तुम्हारे पास सॉल्यूशन भी होता है। जिस पर फेस्टोस रुकता है और कहता है चलो ये मुसीबत तुम मुझ पर ही छोड़ दो, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। जिस पर मशीन कहती है फेस्टोस क्या तुम वही तो नहीं सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ, प्लीज तुम ऐसा करने से पहले एक बार और सोच लेना। जिसके बाद फेस्टोस लेमोरिया में क्रो के पास जाता है क्योंकि वहां कुछ ऐसा मौजूद था जिसकी फेस्टोस को जरूरत पड़ने वाली थी। तब फेस्टोस एक गड्ढे में कूद जाता है और अपने सामने एक गेट को अनलॉक करता है। मशीन फेस्टोस से कहती है मैं जानती हूँ कि तुम क्या करने की सोच रहे हो। जिस पर फेस्टोस ने कहा वेल तब क्या तुम रेडी हो। अंदर आते हुए उस मशीन के अंदर का सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिव हो जाता है, फेस्टोस उसके हमले से बचता है। फेस्टोस ने कहा कि मशीन उसे बचा रही है, मशीन ने कहा ऑफ कोर्स मैं तुम्हें बचा रही हूँ पर तुम्हें जरा संभल कर आना होगा। जिस पर फेस्टोस कहता है इसका मतलब तुम मेरे साथ हो। मशीन कहती है मैं ऐसा होने तो नहीं देना चाहती पर इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है, अगर तुम्हारे ऐसा करने से काम बन सकता है तो हमें ये जरूर ट्राई करना चाहिए। वहीं इन सबसे दूर एक्सोडस ये सब तबाही देख रहा था कि तभी सामने साइन नाम का हेक्स उसके पास आता है। एक्सोडस उसके सामने जाता है तो साइन कहता है मैं जानता हूँ कि मुझे एक बार तुम मार चुके हो। जिस पर एक्सोडस कहता है और मैं ऐसा दोबारा भी कर सकता हूँ और वैसे भी तुम घायल हो तो मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें मारने में। जिस पे वो हेक्स कहता है मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ, जब पिछली बार तुम्हारा मेरा सामना हुआ था तब मैंने कुछ देखा था, तुम इस सेंचुरी से नहीं हो तुम किसी और टाइम से हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ रिक्वेस्ट करने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर हम दोनों यानी कि तुम और मैं एक हो जाएं, क्योंकि तुम एक नाइट हो और मैं एक स्वॉर्ड तो इनका कॉम्बिनेशन पावरफुल होगा। जिस पर एक्सोडस कहता है और हम इसका नाम क्या रखेंगे। जिस पर साइन कहती है लमार्टो द सेलेस्टियल यानी कि सेलेस्टियल का खात्मा। वहीं फेस्टोस अब हार्ट ऑफ द मशीन में आ चुका था। मशीन कहती है फेस्टोस को जल्दी करना होगा। फेस्टोस ने कहा मैं जानता हूँ हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है। तब मशीन ने कहा वो तो कम है ही क्योंकि सेलेस्टियल कभी भी उसके लूम तक पहुंच सकता है और उसे बर्बाद कर सकता है। तब मुझे ना चाहकर भी सेल्फ डिस्ट्रक्ट होना ही होगा।
तभी फेस्टोस को उन तारों में से एक स्विच नजर आता है। फेस्टोस कहता है, बस हाँ, मुझे वो मिल ही गया। वहीं अर्थ कहती है, मैंने अपने ऊपर इंसानों को सालों से देखा है, उन्हें ऑब्जर्व किया है, वो बहुत क्षणिक किस्म के होते हैं। अगर कोई अच्छा करता है तो उससे अच्छा बने रहने के लिए हर दिन ही अच्छा करना होता है। अगर किसी दिन उस इंसान से कोई गलती हो जाती है तब यही इंसान उसे बुरा भला कहने लगते हैं और उनकी यही चीज मुझे बहुत फ्रस्ट्रेट करती है। लेकिन कोई बात नहीं फेस्टोस, तुम उसे एक्टिव कर दो। गाइस, फेस्टोस के सामने ये स्विच कुछ तो इम्पोर्टेंट करने वाला था। क्या इससे सेलेस्टियल मारा जाएगा ये तो नहीं पता था, पर तभी फेस्टोस उस स्विच को ऑन कर देता है। तब हमें एक स्क्रीन पर एक लॉक दिखाई देता है जिसमें लिखा है, कमांड रिसीव्ड, मशीन रिस्टोर होने के लिए रेडी हो रही है। मशीन रिस्टोर हो गई है, फेस्टोस ने बेस पे कहा। काम बन चुका है गाइस, मशीन अब रिसेट हो चुकी है, अब सेलेस्टियल इसे ऑर्डर मानने के लिए मजबूर नहीं कर पाएगा। पर फिर फेस्टोस मशीन से पूछता है कि क्या वो ठीक है, जिस पर मशीन कुछ मशीन की तरह बात करने लगती है। फेस्टोस कहता है, मैंने ये सब नहीं पूछा, तुम मुझे बताओ कि क्या तुम ठीक हो, तुम कैसा महसूस कर रही हो। जिस पर मशीन कहती है, आई अपोलोजाइज सर, बट आप एक मशीन से बात कर रहे हैं, मैं मशीन हूँ और मेरी कोई फीलिंग नहीं है। जिस पर फेस्टोस अपना सर पकड़कर बैठ जाता है क्योंकि मशीन के रिसेट होते ही मशीन सब भूल चुकी थी। तो अब आगे क्या होगा, कहीं ये मशीन अब सेलेस्टियल का ऑर्डर ना मान ले, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। अब नेक्स्ट एपिसोड इस सीरीज का फाइनल इशू होगा जिसमें हम जानेंगे कि आखिर अर्थ और बाकी सबका क्या होगा। तो उस वीडियो के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं ये बताने के लिए कमेंट जरूर करें, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना। अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोज एंजॉय करें और खुश रहें। म्यूटेंट्स अब मर नहीं सकते थे, इसी बात से जलन खाकर ड्रेक ने म्यूटेंट्स के खिलाफ जंग छेड़ दी। उसने सोचा कि वो म्यूटेंट्स को आसानी से हरा देगा, पर ड्यूक के फैसले से हर कोई सहमत नहीं था। इकारे, सर्सी, फेस्टोस, एजक, ये सब ड्रेक के फैसले के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने आयरन मैन से मदद मांगी और मिलकर एक सेलेस्टियल बनाया। उनका इरादा नेक था, शायद वो सेलेस्टियल को जिंदा करके अपने ऊपर लागू तीन प्रिंसिपल्स को हटाना चाहते थे ताकि इस वजह से उन्हें डेवियंट्स को यूं मारना ना पड़े। आयरन मैन की कॉस्मिक पावर और इंटेलिजेंस की वजह से सेलेस्टियल जिंदा भी हो गया, लेकिन रिजल्ट वैसा नहीं था क्योंकि प्रोजेनिटर द पावरफुल सेलेस्टियल ने उठते ही अर्थ को जज कर दिया, जिसमें ह्यूमंस और अर्थ उसकी नजरों के सामने फेल कर गए। इसलिए ह्यूमंस, म्यूटेंट्स और इटर्नल्स मिलकर इस सेलेस्टियल का मुकाबला करने लगे। तो क्या ये लोग प्रोजेनिटर को रोक पाएंगे, ये हम आज की वीडियो में जानेंगे क्योंकि ये वीडियो जजमेंट डे सीरीज का फाइनल पार्ट है। तो अगर आप में से कोई व्यूवर मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो मैं उससे यही कहना चाहूँगा कि इस सीरीज को बेहतर तरह से समझने के लिए आप इसके एपिसोड 1 से शुरुआत कर सकते हैं। अब आगे दुनिया तबाह हो रही थी, लोग हर तरफ अपनी जान बचाते हुए भाग रहे थे। उनका भागना वेस्ट था क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, ये दुनिया प्रोजेनिटर के द्वारा डिस्ट्रॉय की जा रही थी। जेडा ये सब बैठकर देख रही थी, शायद वो इस कड़वी हकीकत को समझ गई थी कि भागने का अब कोई फायदा ही नहीं क्योंकि कोई सेफ जगह बची ही नहीं है। तभी पीछे से एक पोर्टल के जरिए कैप्टन आते हैं, उन्होंने जेडा की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, जेडा अब वक्त आ गया है, हमें यहाँ से जाना होगा। तो जेडा ने कहा, क्या आप मेरे लिए आए हो कैप्टन? तो कैप्टन ने कहा, नहीं, हम यहाँ सबके लिए आए हैं। तब हम देखते हैं पूरे सिटी में कई टेलीपोर्टेशन गेट्स खुल रहे हैं जिसके अंदर लोग जा रहे हैं। कैप्टन ने कहा, इटर्नल्स ने अपने ट्रांसपोर्ट नोड्स को सबके लिए खोल दिया है, तो हम वहाँ शरण ले सकते हैं। हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे, जब तक कि हम में से कोई भी जिंदा है तब तक ये ओवर नहीं होगा। वहीं प्रोजेनिटर भी कैप्टन को सुन रहा था, उसने कहा, ये झंडे वाला आदमी सही कह रहा है, ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग है, मैंने अभी अभी इस आदमी को मारा था और ये फिर से जिंदा होकर अपने काम में लग गया, लेकिन ये तब भी अपने मिशन में सक्सेस नहीं हो पाएगा।
मुझे ये इंसान काफी अजीब तरह की स्पीशीज नजर आती हैं। मैंने देखा है कि जब कुछ के सामने टेलीपोर्टेशन नॉट का गेट खुला तो कुछ ने वहां जाकर खुद को बचाना प्रेफर किया तो कुछ ने उस मौके को छोड़ दिया जैसे वो मौत का ही वेट कर रहे थे। मुझे ये सब देखकर बड़ी ही हैरानी महसूस हुई और ऐसा लगा कि मैं इंसानों के बारे में काफी कम जानता हूँ। वहीं अब ह्यूमंस इटर्नल के सेफ्टी राफ्ट में आ चुके थे जहाँ वो खुद को सेफ फील कर रहे थे। उनमें से कुछ लोग तो इटर्नल्स की जय जयकार भी करने लगे। नाइट क्रॉलर ने हीरोज से कहा, तुम तो आज सेलिब्रिटी बन गए। जिस पर हीरोज ने कहा, ये हमारे लिए बनाई गई सेफ्टी राफ्ट्स हैं, इन्हें डिस्ट्रॉय कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कि तभी कैप्टन बीच में कहते हैं, इन्हें इंसान भले ही डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते पर इसे जिसने बनाया है वो तो डिस्ट्रॉय कर ही सकता है। अगर हमने ऐसा किया है तो उसने भी ऐसा कुछ होते देखा होगा और वो कुछ ना कुछ प्लान तो जरूर करेगा। जिस पर प्रोजेनिटर कहता है, ये झंडे वाला आदमी फिर से सही कह रहा है। ह्यूमंस खुद को बचाने की कितनी ही टैक्टिक क्यों ना यूज कर लें लेकिन मैं उन्हें ढूंढ ही लूंगा। आखिर मुझे बनाया भी तो टोनी स्टार्क ने है जिसका काम ही है अपने सामने आई चुनौतियों को खत्म करना। वो एक इंजीनियर है जो कि इफिशियंसी पर बिलीव करता है। अगर मुझे इन्हें हराना ही है तो पहले इनकी किलेबंदी खत्म करनी होगी। इतना कहते ही प्रोजेनिटर अपने हाथ से पावर को रिलीज करने लगता है जिससे धरती में दरार पड़ना शुरू हो जाती है और देखते ही देखते वो दरार एक खाई में बदल जाती है। इधर अर्थ पर बड़ी सी दरार को स्पेस से भी देखा जा सकता था और इसे अवेंजर्स ने भी नोटिस किया। हीरोज ये देखकर शॉक रह जाता है। उसने कहा, ये नहीं हो सकता। अगर सेलेस्टियल रियलिटी लूम तक पहुंच गया तो वो मशीन को मैनुअली रिसेट कर सकता है और जिसके बाद ये अर्थ सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएगी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उन हीरोज को जो कि प्रोजेनिटर के अंदर हैं। मक्कारी ने कहा, एजक क्या तुमने नोटिस किया, जब से हम इस चैम्बर के अंदर आए हैं हमारे फायरवॉल अपने आप ही डीएक्टिवेट हो गए हैं। मतलब अब हम आजाद हैं, हमें अब म्यूटेंट्स के साइकिक पावर की भी नीड नहीं है। इस पर सरसी ने कहा, हम जिंदगी भर इसी आज़ादी की इच्छा करते रहे और जब हमें वो मिली तो आज हम मरने वाले हैं। तभी आयरन मैन कहता है, गाइज लगता हम पहुँच गए, इसके पीछे वो कोर है। तो क्या आप सब अंदर जाने को रेडी हो? और जैसे ही ये लोग अंदर जाते हैं तो वो क्या देखते हैं, उस रूम के अंदर एक अजीब सा क्रिएचर सब कुछ कर रहा था जैसे ये उस सेलेस्टियल के सोल या कहें कि कॉन्शियसनेस हो। टोनी कहता है, गाइस ये कहते हुए मुझे बहुत वियर्ड लग रहा है लेकिन हम में से किसी को गेट बंद करना होगा ताकि कहीं एंटीबॉडीज यहाँ पर आकर हमला ना कर दें। पर एक मिनट गाइस, क्या ये हमें देख नहीं सकता है? तो ऐजक कहती है, भले ही ये हमें नहीं देख सकता पर हम ये जरूर देख सकते हैं कि ये क्या देख रहा है। ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट को मैन्युअली ही करना चाहता है और ये उसे ही ढूंढ रहा है। जिस पर जीन अपनी पावर का यूज करके क्लॉ बनाते हुए कहती है, अगर ये हमें नहीं देख सकता तो इसका मतलब ये डिस्ट्रैक्टेड है और यही सही मौका है इसे मारने का। आई होप इसके बाद हम मारे जाएं लेकिन द फाइव हमें वापस से जिंदा कर लेंगे। और इतना कहते ही जीन उस सेलेस्टियल के सोल पर अटैक कर देती है लेकिन तभी एजक जीन को ऐसा करने से रोक देती है। एजक ने ऐसा क्यों किया ये हमें नहीं पता था पर वहीं सेलेस्टियल अर्थ को चीर कर रख दिया था। उसने अर्थ के अंदर के बेस में इटर्नल के शहर को ढूंढ लिया। ये देखकर हीरोज डर गया। उसने कहा, जल्दी से यूरोनोस की आर्मरी को ओपन कर दो सबके लिए, जिसको जो भी मिले वो उसे लेकर इसे रोके ताकि ये मशीन के कोर तक ना पहुंच पाए क्योंकि अगर ये वहां तक पहुंच गया तो ये सारी की सारी मेहनत खराब हो जाएगी। इसके बाद जिस किसी को भी यूरोनोस की आर्मरी से जो भी वेपन मिला वो उसका यूज सेलेस्टियल पर अटैक करने में लग देता है। प्रोजेनिटर कहता है, तो अब यूरोनोस की आर्मरी से मुझे रोका जाएगा? ये बेवकूफ नहीं जानते कि इसे यूज कैसे करना है, ये सब चीटी की तरह मसल दिए जाएंगे। हाँ ये सब मुझे धीमा जरूर कर सकते हैं पर मुझे रोकना इनके बस के बात नहीं है। तभी वहां पर कैप्टन आ जाते हैं। प्रोजेनिटर मन में सोचता है, ये झंडे वाला आदमी फिर से यहाँ आ गया पर ये मुझे रोक नहीं पाएगा। जिस पर कैप्टन मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं रोक सकता,
इसलिए बस तुम्हारा ध्यान भटका रहा था। तभी साइन नाम का हैक्स जो कि एक्सोडस से मर्ज हो चुका था वो आकर सेलेस्टियल पर हमला कर देता है। ये हैक्स जो कि सेलेस्टियल जैसे जायंट्स को रोकने के लिए बनाए गए थे वो अब म्यूटेंट से भी मर्ज होकर काफी पावरफुल हो चुका था। इधर जीन एजेक्स से उसके रास्ते से हटने को कहती है क्योंकि जीन सेलेस्टियल की सोल को मारना चाहती है, जिस पर एजेक कहती है ये सब करना मीनिंगलेस होगा, हम इसे चाहकर भी नहीं मार सकते हैं, तुम म्यूटेंट्स तो मरकर वापस आ जाओगे लेकिन अगर आज ये मर गया तो ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी क्योंकि सब ह्यूमंस को वापस से जिंदा करना मुश्किल होगा, इस अर्थ पर बस म्यूटेंट्स बचेंगे। जिस पर टोनी कहता है ये बात तो उसने पहले सोची ही नहीं। तो जीन कहती है हम सबको नहीं बचा सकते। जिस पर टोनी कहता है लेकिन हम बिलियंस लोगों को मरने के लिए भी नहीं छोड़ सकते हैं, हमें इस प्लान के अलावा कुछ और सोचना होगा, ये एकदम बकवास प्लान है, अगर आज हम सेलेस्टियल को मार देते तो उसके साथ ही साथ इतने सारे लोग मारे जाते। जिस पर जीन आगे बढ़ते हुए कहती है लेकिन हम सबको नहीं बचा सकते, मे बी ये मेरा टेस्ट हो लेकिन अब मुझे इस टेस्ट से फर्क नहीं पड़ता, हम जिन्हें बचा सकते हैं उन्हें बचा कर रहेंगे। इतना कहते हुए जीन उस सेलेस्टियल को मारने के लिए चल देती है, जिस पर सेलेस्टियल जीन को रोकते हुए कहता है ऑफ कोर्स ये एक टेस्ट था जिसमें तुम फिर से फेल हुई, मैं कब से खुद से क्वेश्चन कर रहा था कि क्या मैं सही हूँ और तुमने ये प्रूव कर दिया कि मैं सही हूँ, तुम्हारे पास हमेशा से चॉइस थी, तुम जो चाहो वो कर सकते थे, वहीं इटर्नल के पास तो ये चॉइस भी नहीं थी, पर मैंने उनकी फायरवॉल हटा दी ताकि वो फ्री होकर जो करना चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया, उन्होंने मुझे नहीं रोका और इसलिए मैं जानता हूँ कि तुम लोग भले ही बदलने का नाटक करो लेकिन तुम लोग कभी नहीं बदलने वाले। जिस पर सरसी कहती है बस अब बहुत हुआ मशीन, क्या तुम मुझे लाइव कर सकती हो? मशीन कहती है हाँ। तब सरसी लाइव आकर सबसे कहती है ह्यूमंस मेरे पास तुम्हारे लिए एक मैसेज है जिसे हम इटर्नल्स कब से अपने मन में दफनाए हुए घूम रहे हैं, हमने ऐसा करना खुद से नहीं चुना था लेकिन हम इटर्नल्स को इसीलिए चुना गया था, हमारी इमॉर्टैलिटी हमारे लिए एक वरदान भी है लेकिन तुम लोगों के लिए नहीं, अगर हम में से कोई भी इटर्नल मारा जाता है तो तुम ह्यूमंस में से किसी एक की लाइफ का सेक्रीफाइस होकर हमें वापस कर दिया जाता है, तुम लोग हमारे लिए किसी फ्यूल की तरह हो, मैंने ना जाने कितनी बार लोगों को मैनिपुलेट करके अपना काम निकलवाया, मैं सच में ऐसा करना नहीं चाहती थी पर ये हमसे ही होता था और अब मैं चाहती हूँ कि तुम सब ह्यूमंस हम इटर्नल्स को जज करो। जिस पर सभी ह्यूमंस ये सच जानकर गुस्से में आ जाते हैं, वो कहते हैं इटर्नल्स को तो मर जाना चाहिए। कैप्टन इरोस से कहता है कि क्या ये सच है? जिस पर इरोस कहता है वैसे सरसी की बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता लेकिन हाँ वो इस बार सच कह रही है। सरसी सेलेस्टियल से कहती है देखा गॉड, मैंने कहा था कि हम बदल सकते हैं, जरूरत है तो हमें एक मौका देने की। जिस पर प्रोजेनेटर कहता है ये समझना मेरे लिए मुश्किल है, पर आज से पहले इटर्नल मर नहीं सकते थे पर आज के बाद ऐसा नहीं होगा, जिसके बाद सेलेस्टियल सरसी को मार डालता है, यानी कि सरसी अब मर चुकी थी, वो कभी भी वापस नहीं आने वाली थी। टोनी गुस्साते हुए बोलता है तुमने उसे मार दिया जबकि उसने अभी अभी साबित किया कि इटर्नल्स भी बदल सकते हैं और हम भी बदल सकते हैं। जिस पर सेलेस्टियल कहता है लेकिन इससे कुछ साबित नहीं होता। तब एजेक कहती है लेकिन हम कोशिश तो कर ही सकते हैं, पर मुझे तुम ये बताओ क्या तुम हमको मारना डिजर्व करते हो? तुमने कहा कि ये सब एक टेस्ट था पर ये तुम्हारे लिए भी तो एक टेस्ट था, मैंने एक बेहतर गॉड मांगा था और तुमने हमें ये दिया, तुम फेल हो गए हो। तो सिनिस्टर कहता है ओह कम ऑन, तुम लोग ये बकवास बंद करके सीधा इसको मार क्यों नहीं देते? तब जीन ग्रे आगे बढ़ते हुए कहती है नहीं हम अब दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैंने अभी अभी एक प्लेनेट को ख़त्म कर दिया है और मैं चाह के भी उसे वापस नहीं ला सकती थी, मैं अपने कंट्रोल में नहीं थी और इसलिए तुमने मुझे फेल किया और अब तुम खुद ही वही काम कर रहे हो एक पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करके, पर मुझे तुम ये बताओ क्या तुम ऐसा करके जी पाओगे, क्या तुम इस बर्डन को उठा पाओगे? जिस पर प्रोजेनेटर कहता है ये मैटर नहीं करता, अगर मैं अभी रुक गया
तो भी लाखों लोगों की जान जा चुकी होगी। तब टोनी कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुमने मुझे किस वजह से पास कर दिया, पर शायद तुमने मेरे अंदर सब कुछ ठीक करने की काबिलियत या कहें जज्बा देखा होगा कि हम बदलते हैं, हम कोशिश करते हैं। जिस पर सेलेस्टियल कहता है, लेकिन अगर मैं रुक गया तो ये मुझे बर्बाद कर देगा। टोनी ने कहा, यही तो डील है, मैं हर रोज कुछ ना कुछ गलत करता हूँ, लेकिन उनके समझते ही मैं उन्हें ठीक भी करता हूँ। ये दुनिया ऐसी ही है, हीरोज ऐसा ही करते हैं, उन्हें कुर्बानी देनी होती है। तब प्रिजनेटर कहता है, तो क्या मैं एक गॉड नहीं हूँ? गॉड ओमनीसिएंट होता है, मुझे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जानना चाहिए था। क्या मेरे फैसले लेने में मैंने जल्दी कर दी? नहीं, एक गॉड कभी भी गलत नहीं हो सकता, पर मेरे अंदर ये कश्मकश बनी रही कि मैंने कहीं जल्दी तो नहीं की। मैं एक गॉड हूँ और मेरे पास अनंत शक्तियाँ हैं। मैंने गलती की है, मैंने अपने जजमेंट करने में गलती की, इसलिए मैं अब उसे सुधारूंगा। मैं सब कुछ ठीक वैसा कर दूंगा जैसे वो मेरे जजमेंट से पहले हुआ करता था। मुझे नहीं पता कि मेरे इस चेंज का मुझ पर क्या असर होगा, लेकिन एज ए माई मेकर तुमने मुझे बनाया है, तो क्या तुम मुझे बताओगी कि क्या मैं सही गॉड था? जिस पर एजक रोते हुए भारी मन से उसे थम्स डाउन दिखाती है। ये देखकर प्रोजेनेटर की आंखों में भी आंसू आ गए थे, उसके मन में भी फीलिंग्स आ चुकी थी। उसने कहा, यस एजक, तुम सही कह रही हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम एक बेहतर गॉड बनना। इतना कहते ही वहाँ जोर की रोशनी होती है। फिर कुछ देर बाद टोनी कहता है, क्या ये सच है? ओह, तो सब कुछ नॉर्मल हो गया, उसने कर दिया, गॉड ने सब कुछ ठीक कर दिया, गाइस हमने कर दिखाया। तो मकारी कहती है, लेकिन सरसी और एजक कहाँ पर हैं? तभी कोई कहता है, उसने सिर्फ अपनी जजमेंट को बदला, ह्यूमंस की नहीं। तब हम देखते हैं एजक को, जो कि एक गॉडेस बन चुकी है। प्रोजेनेटर ने अपनी पावर्स एजक को दे दी थी। एजक कहती है, जब ह्यूमंस ने सरसी को फेल किया और उसकी डेथ की विश की, तब गॉड ने उसे पूरा किया, लेकिन गॉड ने सिर्फ अपनी जजमेंट बदली, ह्यूमंस की नहीं। सरसी ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया, उसने अपना अल्टीमेट सैक्रिफाइस दिया है। कुछ दिन बाद सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। जूरस ने इटर्नल्स की तरफ से हुई गलती की वजह से ड्रेक को एक घंटे के लिए म्यूटेंट्स को सौंपने का फैसला किया, क्योंकि ड्रेक की वजह से सब कुछ स्टार्ट हुआ था। लेकिन स्टॉर्म ने पूछा, एक घंटे के बाद ड्रेक का क्या होगा? जिस पर हीरोज कहता है, उसके लिए हमने ऐसी सजा सोची है जो कि उसके लिए जहन्नुम से भी कम नहीं होगी। हम उसे यूरेनस के चैम्बर में लॉक कर देंगे। यूरेनस ड्रुइक से कहता है, तुम जानते हो ना कि मैं एक घंटे में क्या कर सकता हूँ, तो तुम तो यहाँ हजारों सालों के लिए कैद हो, सोचो तुम्हारा अब क्या होगा। वहीं अब सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन इटर्नल के हॉल में एजक किसी मिशन की तरफ रवाना होते हुए सोच रही है, ये अर्थ इस बार तो बच गए, लेकिन इंसानों को चीजें समझनी होंगी, उन्हें अपने स्वार्थ से बढ़कर इस प्लेनेट के लिए करना होगा। आज जिस तरह से जानवर विलुप्त हो रहे हैं, जिस तरह से जंगल समाप्त हो रहे हैं, इंसानों की जिस हरकत की वजह से युद्ध हो रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं, तो आज नहीं तो कल, इस पीढ़ी को नहीं तो अगली पीढ़ी को एक दिन ये सामना करना ही होगा, जजमेंट डे का, और जजमेंट हमेशा चलता रहेगा। तो गाइस, ये कहानी थी जजमेंट डे की। हाँ, मैं मानता हूँ इसका एंड आपको कुछ खास नहीं लगा होगा, लेकिन इस स्टोरी में एक इंटेंशन और एक लर्निंग छिपी हुई है कि हर कोई बदल सकता है, हर कोई बेहतर बन सकता है। जरूरत है तो बस समय से पहले बदलाव लाने की। जैसे एग्जाम डेट आने के बाद हम यही सोचते हैं कि काश कुछ टाइम या कुछ हफ्ते और मिल गए होते तो हम प्रिपरेशन और अच्छे कर लेते, जबकि हम जानते हैं कि एक ना एक दिन एग्जाम होना ही है। लेकिन जब हम पर प्रेशर आता है, हम तभी सोचते हैं कि काश एक और मौका मिल जाता। ठीक उसी तरह हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, क्योंकि कॉमिक्स में भले ही सब कुछ रिवर्स करने की छूट हो, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। हम इंसानों ने इस प्लेनेट पर कितना कचरा, कितनी आबादी बढ़ा रखी है। हम इंसान किसी भी जगह घूमने जाते हैं, वहाँ सिर्फ कचरा कर आ जाते हैं, जबकि जानते हैं कि आज नहीं तो कल ये सब चीजें इस अर्थ को बर्बाद कर देंगी। इसका असर हम अभी से देख सकते हैं। दुनिया के कई हिस्सों में लोगों के पास पीने को साफ पानी नहीं है, नदियाँ गंदी होकर नाला बन रही हैं,
चैन से सांस लेने को वातावरण भी नहीं रहा। शायद इन चेंजेस को हम भयानक रूप में ना देख पाए, लेकिन हमारी अगली पीढ़ी हम लोग को यही कहेगी कि उनके पूर्वज कितने बेकार थे जो ये सब कचरा उनके लिए छोड़ कर गए। तो आप सब सबसे ज्यादा कर्जदार इस अर्थ के हैं। इसे बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट या किसी को भी ब्लेम करने से पहले अपनी जिम्मेदारी समझें कि आप इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं। मैं जानता हूँ बहुत से व्यूवर्स इस वीडियो को अब तक स्किप कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी कोई देव मानुष मुझे अभी तक यहाँ पर सुन रहा है तो मैं उससे यही कहूँगा कि आप सब नेचर के लिए अपनी तरफ से जो भी कुछ कर सकते हैं बेहतर, तो वो आप करें, क्योंकि एवरी डे इज जजमेंट डे।